हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्लास नंबर 2। हम चैप्टर 4 कर रहे थे EIS का, और हमने चैप्टर 4 में फर्स्ट क्लास में ये दो टॉपिक अपने खत्म कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ई-कॉमर्स। अगेन बोलो, कंपोनेंट्स ऑफ ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स के क्या कंपोनेंट्स है, इसके बारे में हमारा टॉपिक है। तो थोड़ा सा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, सर ये ई-कॉमर्स क्या है। नाउडेज आप जो कर रहे हैं सिर्फ हम उसी के बारे में बात करेंगे। सर आजकल हम क्या कर रहे हैं, आजकल देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप लैपटॉप की स्क्रीन पे या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे बैठे हैं और आपने तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। किस चीज़ का आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, एक मोबाइल, आपने मोबाइल ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, ओके। और ये हो आप जो बैठे थे लैपटॉप की स्क्रीन पे काम करने के लिए, ठीक है। जब आपने इस मोबाइल को ऑर्डर किया तो आपने किस चीज की मदद से ऑर्डर किया था, लैपटॉप की मदद से, किस पे। सर एक वेबसाइट थी, जो वेबसाइट थी सर मेरी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाके हमने ऑर्डर कर दिया था, ठीक है। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाके आपने ऑर्डर कर दिया था। अब ये फ्लिपकार्ट अपने पास से प्रोडक्ट आपको भेज तो देगा, लेकिन आपने किस जरिए से, किस चीज की मदद से वेबसाइट को एसेस करके इसको ऑर्डर किया था, किस जरिए से। सर इंटरनेट हमने यूज किया था। ओके सर, आपने इंटरनेट भी यूज किया था। जी हाँ सर, मतलब आपने लैपटॉप के यूज करके वेबसाइट पे गए फ्लिपकार्ट की, और इंटरनेट के माध्यम से आप वहां जाके ये सब काम किए। इसके अलावा क्या आपने और भी कुछ किया था? जी हाँ सर, इसके अलावा एक काम और हमने किया था, क्या? हमने इस मोबाइल का पेमेंट कर दिया था, हमने इस मोबाइल का पेमेंट कर दिया था। तो पेमेंट कैसे किया सर? पेमेंट किया था हमने, पेमेंट आपने इस मोबाइल का पेमेंट कर दिया था। इट मींस ई कॉमर्स के लिए आप ऐसे ऐसे काम किए हैं। इट मींस ई कॉमर्स के कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स वही है कि ई कॉमर्स हुआ कैसे, बना कैसे, क्या क्या, कहां से, कब, क्यों, कितना है। सर क्या बोल लो? हाँ भाई, ई कॉमर्स यही है। तो ई कॉमर्स अगर यही है तो सर ई कॉमर्स में काम कैसे हुआ? एग्जाम्पल यहां गया, ई कॉमर्स में काम कैसे हुआ? पहला ई कॉमर्स इस यूजर के थ्रू हुआ, इस यूजर ने काम किया। दूसरी बार किसने काम किया? एक आपने जो मोबाइल ऑर्डर किया था, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट आ गया ये यूजर। दूसरा कंपोनेंट आ गया फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स वेंडर, इसको क्या कहते हैं, ई कॉमर्स वेंडर। पहला यूजर, दूसरा ई कॉमर्स वेंडर। तीसरा सर, तीसरा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये लैपटॉप ही नहीं होता तो आप कैसे कर पाते? मतलब ई कॉमर्स के कंपोनेंट्स में पहला आया यूजर, दूसरा ई कॉमर्स वेंडर, पहले आप, दूसरा फ्लिपकार्ट, तीसरा आपका लैपटॉप टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथी चीज आई सर इंटरनेट। इंटरनेट नहीं होता तो क्या आप ये कुछ कर पाते? तो इंटरनेट या नेटवर्क आ गई चौथी चीज। पांचवी चीज इसमें आ गई सर वेबसाइट। वेबसाइट कर लीजिए, वेब पोर्टल कर लीजिए। आपके बुक में तो वेब पोर्टल है, बट फ्लिपकार्ट यहाँ बैठा है, इंटरनेट में है, लेकिन फ्लिपकार्ट को एसेस करने के लिए, अगर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट या वेबसाइट ही नहीं होती तो आप कैसे फ्लिपकार्ट को एसेस कर पाते? इसलिए पांचवा होता है वेब पोर्टल, और सिक्स्थ होता है पेमेंट गेटवे, जिससे आप पेमेंट करते हैं। यही छह कंपोनेंट होते हैं किसी भी ई कॉमर्स के, ठीक है। यस सर, यही छह होते हैं। जी हाँ सर, यही छह होते हैं। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, या ड्रॉ करने का टाइम अभी थोड़ी देर बाद देता हूं इसको। आइए हम पढ़ते हैं ई कॉमर्स कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, फर्स्ट है इसमें यूजर। क्या है सर? फर्स्ट यूजर। आपकी बुक में देखिए जो कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स में पहला मैंने बढ़ाया कौन सा है कंपोनेंट? यूजर। यूजर कौन होता है? यूजर आप हैं। आप मतलब वो पर्सन जो क्लिक करता है बटन को, आप टच स्क्रीन पे टच करते हैं बाई बटन को, वो हो गया यूजर। ओके, इज अ पर्सन हु टचेस, क्लिक करता है, जो बटन पुश करता है, टच करता है बटन को, बटन प्रेस करता है या टच स्क्रीन पे टच करता है, वो होता है यूजर। दिस में भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज्ड और एनी बडी यूजिंग द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एज अ ई कॉमर्स हैज मेड प्रोक्यूरमेंट इजी एंड सिंपल जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ बटन। आपने क्लिक किया मोबाइल मंगाने के लिए, आप यूजर हैं। ई कॉमर्स वेंडर्स नीड्स टू इंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट आर नॉट डिलीवर्ड टू रॉन्ग यूजर। मतलब घनश्याम को, अगर घनश्याम ने ऑर्डर दिया था तो रघुराम के पास ऑर्डर ना पहुंच जाए। जो प्रॉपर पर्सन, उस जिस प्रॉपर पर्सन ने बाई किया है उसी के एड्रेस पे डिलीवर हो, किसी और को रॉन्ग डिलीवरी ना हो जाए, ये कौन इंश्योर करेगा? ई कॉमर्स वेंडर। सर अब ई कॉमर्स वेंडर क्या है? देखो ई कॉमर्स वेंडर्स इट मींस आप अपने दिमाग में लगा लो फ्लिपकार्ट,
फ्लिपकार्ट क्या क्या कर सकता है, अगर उसने क्या पाप कर दिए तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी प्रोवाइडिंग द यूजर गुड सर्विसेज आस्क्ड फॉर। आपको चाहिए था क्या? मोबाइल। मोबाइल आपको चाहिए था X2, उसने भेज दिया X1, तो भाई जो चाहिए केवल वही भेजो पहली बार। तो foodpanda.com, foodpanda पे आपने मंगाई पाव भाजी, उन्होंने भेज दिया वड़ा पाव। अरे भाई जो चाहता है वो भेजो, ठीक है। जिससे आप कुछ भी मांगते हैं, foodpanda से आपने बोल दिया मुझे पाव भाजी खानी है, तो इंटरमीडियरी foodpanda क्या है? इंटरमीडियरी, जिससे आपने गुड्स या सर्विसेज की डिमांड कर दी है। फॉर एग्जाम्पल flipkart.com ई-कॉमर्स वेंडर फर्दर नीड्स टू इंश्योर फॉलोइंग फॉर बेटर इफेक्टिव एंड इफिशियंट ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे ई-कॉमर्स आपके, देखो यहाँ पे जब बात कर रहे हैं, आपको स्पेस दिया गया इस जगह पे, यहाँ पे आपको सारे के सारे छहों के नाम लिखने हैं। आप लिखेंगे नाम, अभी थोड़ी देर बाद आपको फिर से टाइम दिया जाएगा, 6 कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं। अब लगता क्या है कि यार इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं? जी नहीं, कंपोनेंट्स यही हैं, यूजर, ई कॉमर्स वेंडर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंट्रानेट, वेब पोर्टल और पेमेंट गेटवे। बट होता क्या है, दिक्कत ये आ जाती है कि इस ई कॉमर्स वेंडर के बारे में ई कॉमर्स वेंडर में भी डिस्क्राइब किया है, तो ई कॉमर्स वेंडर को क्या करना चाहिए, ई कॉमर्स वेंडर कैसे काम करता है और क्या काम करता है, क्या सावधानियां रखता है, इस बारे में नीचे पूरा डिटेल किया गया है। ओके ओके सर। सर एक आपका ये ग्रीन कलर का डायग्राम क्या दिख रहा है? हैं, कौन सा डायग्राम? सर ये वाला, देखो ये कुछ नहीं दिख रहा आपको। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी वेंडर्स हैं जो ई कॉमर्स वेंडर की बात कर, यूजर, इंटरनेट, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, सारे के सारे यही सब बातें लिखी है। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये डायग्राम आप खुद सेल्फ ही समझ जाएंगे कि होता कैसे है, क्योंकि आप सबने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो बाई किया ही है ऑनलाइन। सप्लाई एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब भाई फ्लिपकार्ट, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स भी हैं, आपके पास क्लोथ्स भी हैं, मर्चेंडाइज भी हैं, आपके पास स्टेशनरी भी है, सब कुछ तो आप रखे हो, तो आपको सप्लायर सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी रखना पड़ेगा। मतलब मैंने अगर मोबाइल ऑर्डर किया है तो भाई साहब मुझे मोबाइल ही मिले, और आपके पास कोई फर्जी बेकार और बेईमान सेलर्स ना हो, क्योंकि ई कॉमर्स वेंडर छोर को होता क्या है, फ्लिपकार्ट तो अपना प्लेटफॉर्म दे दिया, फ्लिपकार्ट ने अपना प्लेटफॉर्म दे दिया, अब डिफरेंट टाइप के सेलर्स जो होते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे खुद को रजिस्टर्ड करके अपने अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट को बेचते हैं। सारे प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के थोड़ी होते हैं और हमारे जैसे मासूम बायर जाके परचेज करते हैं, तो फ्लिपकार्ट को इंश्योर करना पड़ेगा कि इनमें से कोई भी जितने भी सेलर इनके पास रजिस्टर्ड हैं, इनमें से कोई भी फर्जी इंसान ना हो, बेईमान ना हो, गलत सामान या डुप्लीकेट सामान ना बेचता हो। इसलिए आप देखेंगे फ्लिपकार्ट इंश्योर्ड भी आता है कुछ सेलर्स के लिए, तो ये कौन देखेगा? इंटरमीडियरी की लाइबिलिटी हो जाएगी। और इंटरमीडियरी की एक और लाइबिलिटी हो जाएगी कि फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ये मोबाइल बिक रहा है, वो इस सेलर से इस बायर तक कैसे पहुंचेगा, इस चीज की मैनेजमेंट, इस चीज की सप्लाई चेन मैनेजमेंट कौन इंश्योर करेगा? फ्लिपकार्ट करेगा। दैट मीन्स ई कॉमर्स कंपोनेंट्स में ई कॉमर्स वेंडर करेगा। तो सप्लायर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिर्फ फ्लिपकार्ट क्या करेगा ये सोचिए। दिस बीइंग अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेब कंपोनेंट ऑफ द होल ऑपरेशन फॉर इफेक्टिवनेस दे नीड टू इंश्योर दैट दे हैव इनफ एंड राइट गुड सप्लायर्स मतलब सप्लायर्स जो सप्लायर्स हैं फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर्ड जो सप्लायर्स हैं वो फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली सेफ हैं। मतलब सर फाइनेंशियली ऑपरेशनली मतलब भाई सही से काम कर रहे हैं, और फाइनेंशियली का क्या मतलब है? कोई किसी ने अपना प्रोडक्ट बेच दिया यहाँ पे, ठीक है, कोई है मिस्टर ए, इन्होंने अपने इनके पास तो 100 प्रोडक्ट ही थे, लेकिन इन्होंने कोई गैप नहीं डाला, आउट ऑफ स्टॉक की लिमिट नहीं डाली, प्रोडक्ट के अनलिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, सोचते हैं तुरंत प्रोडक्ट बना के बेच देंगे, अनलिमिटेड ऑर्डर लेते हैं। अचानक से ये रात को 8 बजे सोए, अगले दिन सुबह 6 बजे उठे, उन्होंने देखा ओहो 1,00,000 यूनिट्स का ऑर्डर आ गया, बट इनके पास तो 100 प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी और उतना ही पैसा भी है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा लगता है। तो अगर ये फाइनेंशियली वाइबल नहीं होगा तो फ्लिपकार्ट को इनका ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा, इवन अपने पोटेंशियल बायर्स जो हो चुके थे बायर्स उनको कंपनसेशन भी देना पड़ जाता है। कितनी बार अमेजोन पे भी इस तरीके के ऑर्डर कैंसिल होते हैं, या फिर आप जब जोमैटो या फिर अदर वेबसाइट्स पे स्विगी से ऑर्डर करते तो दिखा देता है कि ऑर्डर रेस्टोरेंट ने कैंसिल कर दिया, बाकी आपके पास आ चुका था कि ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है ना, इसलिए देखते हैं कि फाइनेंशियली फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली सेफ सप्लायर्स हों। सप्लायर आर नॉट एबल टू प्रोवाइड रियल टाइम स्टॉक, आर
आर एबल टू प्रोवाइड रियल टाइम स्टॉक इन्वेंट्री, सेम ऑप्शन, 100 का स्टॉक का 1 लाख का ऑर्डर मत लो भाई, तुमको रियल टाइम में पता चल जाना चाहिए कि 100 खत्म हो गया और ऑर्डर नहीं लेने हैं। द ऑर्डर आर डिलीवर्ड, ऑर्डर टू डिलीवर टाइम इज वेरी शॉर्ट, मतलब ऑर्डर अगर आज किए हैं तो विद इन 3 to 4 days डिलीवरी हो जानी चाहिए, 3 days 4 days डिलीवरी होनी चाहिए। सर इसको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइम क्यों बोल दिया सर, वेरी शॉर्ट टाइम क्यों बोल दिया, रीज़न भी मैं इसका दे देता हूँ। देखो होता क्या है कि जब आप ऑर्डर देते हो ना तो ये आपको ऑर्डर देने के बाद क्या बोलते हैं, 14 days या 10 days की मनी बैक गारंटी, फुल अमाउंट गारंटी। तो अगर कोई सेलर है वो जब आपको माल पहुँचा रहा है तो आपसे पेमेंट आता है पहले फ्लिपकार्ट को, तो फ्लिपकार्ट क्या करती है अपना आपका ये पेमेंट रोक के रखती है और 14 दिन बाद जब आप कोई क्लेम नहीं करते हैं तो इस सेलर को 14 दिन बाद भेजती है। आपने भले ही सेम डे पेमेंट कर दिया लेकिन फ्लिपकार्ट 14 दिन तक वो पैसा अपने पास रखती है। अब क्या होगा अगर ये जो सेलर है ये 20 दिन में डिलीवरी ही करता है तो होगा यहाँ पे क्या कि आपको जो पैसा, आपने पैसा तुरंत फ्लिपकार्ट को दिया, फ्लिपकार्ट 14 दिन बाद जाके इसको यहाँ पे दे दिया, आपके पास प्रोडक्ट ही 20 दिन बाद पहुँचा है। अब आप कुछ भी कर लें, आप बोल दिए कि प्रोडक्ट फॉल्स था, डुप्लीकेट है, फ्लिपकार्ट ने इसको पैसे दे दिए, ये खुद को अनरजिस्टर्ड करके निकल जाएगा, यहाँ से फ्रॉड हो जाएगा। इसलिए इंश्योर करते हैं कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी हो जाए, जो इनकी इफेक्टिवनेस को भी दिखाता है और ट्रस्ट बिल्डअप भी करता है कि कोई फॉल्स प्रोडक्ट नहीं आएगा। ओके ओके सर, उसके बाद वेयरहाउस ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। सर वेयरहाउस ऑपरेशन मतलब फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस ऑपरेशंस की बात हो रही है भाई, फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस ऑपरेशन प्रोडक्ट है उसके पास। When a product is brought, it is delivered from the warehouse of e-commerce vendor. खुद फ्लिपकार्ट के भी वेयरहाउस से कुछ प्रोडक्ट्स निकलते हैं, सेलर के अलावा फ्लिपकार्ट के भी वेयरहाउसेस होते हैं। This place is where online retailers pick product from the shelf, pack them as per customer's specification, pre-decided standard and prepare those products to be delivered. सर as per customer specification का क्या मतलब कह रहे हो, वो तो नॉर्मल पैकिंग अपनी करते हैं भाई, आप कभी कभी गिफ्ट रैप भी तो करवाते हो, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। These operations have become very critical to success the whole e-commerce business. अगर वेयरहाउस ऑपरेशन सही नहीं हुए ना तो पता चला वेयरहाउस में रखे रखे प्रोडक्ट ही खराब हो गए, तो वेयरहाउस ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। मेनी ई कॉमर्स कंपनीज आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन ऑटोमेटिंग द होल वेयरहाउस, और इसके बारे में आपको कई जगह दिखा होगा कि ऑटोमेटिकली वे ऑर्डर प्रोसेस्ड होता है तो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाते हैं, बट एक्चुअल में इंडिया में भी ये इतना पॉसिबल नहीं हो सकता। ये तब पॉसिबल होता है अगर सेम प्रोडक्ट का ई कॉमर्स चल रहा है, मतलब पूरे वेयरहाउस में कोई आइडेंटिटिकल प्रोडक्ट ए ही है, तो अगर ए से लेके ये 9000 मतलब 9-10 हज़ार प्रोडक्ट है तो उतना ज़्यादा ऑटोमेटेड पैकेजिंग नहीं हो पाती, बट ह्यूमन इंटरवेंशन अप टू सच सम एक्सटेंट कम किया जा सकता है। तो ई कॉमर्स ऑपरेशंस के लिए ई कॉमर्स वेंडर को क्या क्या ध्यान देना पड़ता है, पहली बार सप्लायर चेन मैनेजमेंट देखेगा, वो वेयरहाउस ऑपरेशंस देखेगा, उसके बाद देखेगा शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी। शिपिंग इज अ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द होल वेयरहाउस ऑपरेशन, भाई सामान रखे क्यों हो गोदाम में अगर देना ना होगा तो देना भी होगा रिटर्न भी लेना होगा। फास्ट रिटर्न हैज बीन बिकम यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन फॉर मेनी ई कॉमर्स वेंडर्स, भाई आपको याद होगा कि रिटर्न पॉलिसी के कारण ही हम ई कॉमर्स पे ट्रस्ट किए थे शुरुआती दौर में और वहां से प्रोडक्ट्स मंगवाते थे। सो दीज वेंडर्स नीड वेरी इफेक्टिव एंड इफिशियंट रिटर्न प्रोसेसिंग। ओके ओके सर, ई कॉमर्स कैटलॉग्स एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले, सर इसका क्या मतलब, जब आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करोगे डील ऑफ द डे, मोस्ट वेटेड और ह्यूज डिस्काउंट, पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट आपको दिखाते रहेंगे, वो डिस्प्ले कर रहे हैं, हैमर करते हैं आपके ऊपर, आप परचेज कर लीजिए। तो ई कॉमर्स वेंडर को अपने कैटलॉग्स पे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दिखाने के लिए और डिस्प्ले करने पे भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है सर। प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ ऑल प्रोडक्ट बींग सोल्ड बाई द वेंडर इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या है, वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, क्या अगर मोबाइल बेचो तो कितने रैम का है, कितना वेट है, क्या रेजोल्यूशन दिखाता है, मेक्स और अ बेटर सेल्स कन्वर्जन रेशियो, मतलब यार प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स जब तक नहीं दोगे बायर को तो वो कैसे फेथ करके खरीद पाएगा। ठीक है सर, दीज हेल्प कस्टमर टू जज अ प्रोडक्ट सर्विस बींग सोल्ड, और जब सब कुछ कस्टमर को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और ये सब एनालिसिस कर लेता है तो उसको हेल्प करता है कौन सा प्रोडक्ट खरीदे, 3 मोबाइल में तीनों का स्पेसिफिकेशन देखेगा, प्राइस देखेगा और रेटिंग देखेगा, सबसे अपना प्रोडक्ट खरीद लेगा वो। अ गुड कैटलॉग मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू अ होल कस्टमर एक्सपीरियंस, सही बात है। आप खुद ही इमेजिन करो अगर आपका अच्छा कैटलॉग नहीं हुआ, आप दो कंपनियां हैं, एक कंपनी के पास केवल एक, ये दो मोबाइल हैं, एक कंपनी दिखा रही है ये 9000 रुपए का है और ये 19000 रुपए का है,
इसमें भी दो कैमरा है फ्रंट एंड बैक, इसमें भी दो कैमरा है फ्रंट एंड बैक। ये 6 इंच स्क्रीन है, ये 6.3 इंच स्क्रीन है, ये भी है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग वन डे बैटरी, लॉन्ग लास्टिंग वन डे बैटरी ये भी दिखा रहा है। और दूसरा प्रोडक्ट है, ये दो मोबाइल दिखा रहा है, लिखा रहा है ये भी 9,000 रुपये का है, ये 19,000 रुपये का है। इसमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 26 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 24 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। इसकी 6 इंच की स्क्रीन है, इसकी 6.3 की IPS डिस्प्ले है। ये देखो कैसे बता रहा है, इसकी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी को दिखा रहा है, ये 5400 mAh की बैटरी है, ये 6000 mAh की बैटरी है। कौन सा प्रोडक्ट दिखाने का तरीका ज़्यादा अच्छा है? सर ये वाला ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसी वेबसाइट से ज़्यादा परचेजेस करोगे, इसी वेबसाइट को परचेज ही करोगे जहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्प्ले अच्छे से हुई है। उसी के बाद करा रहे कि अच्छा कैटलॉग जो बनाया है आपने ना, वो आपके सेलिंग एक्सपीरियंस के और कस्टमर के एक्सपीरियंस जहाँ अच्छे होंगे, कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंक्रीज करता है अच्छा कैटलॉग। और जहाँ कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो गया ना डियर, वहीं पे उसी ई कॉमर्स पोर्टल पे बार बार जाके कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, वो चेक भी नहीं करता है किसी दूसरे में क्या चल रहा है प्राइस। ठीक है, मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स है सर, ये क्या है मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम? देखो लॉयल्टी प्रोग्राम एस्टैब्लिश अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर। आपने कितनी बार देखा होगा सर, ये फ्लिपकार्ट क्वाइंस आते हैं या नॉर्मली बहुत से क्वाइंस, वाउचर्स, कैशबैक एंड ऑल दैट सब कुछ मिल रहा होते हैं, उन्हीं की बात कर रहा है। मार्केटिंग करने का तरीका और लॉयल्टी प्रोग्राम, आप हमारे कस्टमर हो तो आपको हम कुछ देंगे, इसकी बात करता है। जैसे कि मैंने भी रिसेंट अपनी बुक के जितने भी फर्स्ट 100 कस्टमर्स थे, उन सभी को 50% ऑफ बुक प्राइस रीइंबर्स कर दिए, वापस कर दिए, जस्ट फॉर बिकॉज लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत। ओके ओके सर, द बेस्ट एग्जाम्पल दैट कैन बी कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम बींग रन बाई एयरलाइन इंडस्ट्री। इन एयरलाइन इंडस्ट्री कस्टमर कैन गेट गुड डिस्काउंट, फ्री टिकट्स बेस्ड ऑन द लॉयल्टी पॉइंट्स एक्युमुलेटेड। द सम कंसेप्ट ऑफ बींग यूज बाई ई कॉमर्स वेंडर इंश्योर कस्टमर लॉयल्टी। सर इसमें बताने वाला कुछ नहीं, आपका जो ई गोल्ड क्वाइन आता है ना, फ्लिपकार्ट का गोल्ड क्वाइन, वही बात कर रहा है। शोरूम एंड ऑफलाइन परचेजेस है, शोरूम ऑफलाइन परचेज क्या है? फ्यू ई कॉमर्स वेंडर ओवर पीरियड हैव रियलाइज दैट देयर प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड फास्ट इफ कस्टमर आर एबल टू फील, टच, सी दोज प्रोडक्ट्स। देखो रिलायंस डिजिटल क्या कर रही है, रिलायंस डिजिटल ऑफलाइन के साथ साथ, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन स्टोर्स भी ओपन कर रखी है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या रिलायंस डिजिटल एक ई कॉमर्स वेंडर नहीं है? सर है, लेकिन ये दोनों तरीके से काम कर रही है। तो दीज वेंडर्स हैव ओपन आउटलेट्स फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस फॉर देयर प्रोडक्ट। ई कॉमर्स वेंडर क्या कर रहा है, क्रोमा स्टोर्स क्या कर रहे हैं भाई, ये तो अपना रिटेल आउटलेट्स भी खोल रहे हैं, भले ई कॉमर्स वेंडर है तो क्या हुआ। डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड, कई तरीके से मेथड लेते हैं, कैसे, अगर कोई कैश ऑन डिलीवरी चाहता है तो उसके लिए कैश ऑन डिलीवरी भी लेते हैं। देर आर मेनी कस्टमर कैन हेल्प दिस ऑर्डर प्रेफर्ड मेथड बाई वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हो, मोबाइल से ऑर्डर करना चाहते हो, वेबसाइट से करना चाहते हो, इंटरनेट से करना चाहते हो, कॉल करके करना चाहते हो, जैसे नापतोल कॉल करके कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड ये दे रहे हैं आपको, गारंटीज दे रहे हैं, 7 डेज मनी बैक गारंटी, प्रोडक्ट फॉल्स तो 10 डेज 100% मनी बैक गारंटी। ये गारंटीज कौन दे रहा होता है, फ्लिपकार्ट दे रही होती है, ई कॉमर्स वेंडर दे रहा होता है। तो द प्रोडक्ट सर्विस गारंटीड एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट सर्विस बींग सोल्ड, मनी बैक गारंटी हेल्प्स गारंटी टू अ सिक्योरिटी इन कस्टमर माइंड दैट इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम द मनी शैल बी सेफली रिटर्न बैक। मतलब अगर आपने आईफोन मंगाया है फ्लिपकार्ट से 1,30,000 रुपये का, तो आपको ये इश्योर है कि अगर फ्लिपकार्ट का ये आईफोन 1,30,000 की जगह 13,000 रुपये वाला डमी पीस निकला ना, तो फ्लिपकार्ट आपको पूरे पैसे वापस कर देगी। ये गारंटी कौन दिया, ये मनी बैक गारंटी, इस पे भी ध्यान कौन देगा, ई कॉमर्स वेंडर। अगर ई कॉमर्स वेंडर गारंटी नहीं देगा तो आप ट्रस्ट करके 1,30,000 रुपीज का मोबाइल ही नहीं खरीद पाओगे। ओके बेटा, ओके सर। प्राइवेसी पॉलिसी, रिप्रेजेंटेड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द ई कॉमर्स वेंडर वाया कस्टमर्स डाटा इन्फॉर्मेशन, ई कॉमर्स वेबसाइट मस्ट हैव अ प्राइवेसी पॉलिसी, जो कि कहने की बात है, एक्चुअल में कोई ई कॉमर्स आपकी प्राइवेसी पॉलिसी इतनी ध्यान नहीं देता। क्योंकि आप खुद देखिए, आप एक जगह जाते हो ई कॉमर्स वेबसाइट पे, आप जाके सर्च करते हो चिल्ड्रंस के टॉयज, तो उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट टाइम गूगल खोलोगे तो गूगल पे यहाँ पे टॉयज के ऐड आ रहे होते हैं। भाई कैसे उनको पता चला कि आपको टॉयज चाहिए थे, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि प्राइवेसी रखनी चाहिए कि कस्टमर को क्या चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता कुछ नहीं है। कस्टमर आर वेरी कंसर्न अबाउट द इन्फॉर्मेशन दैट दे हैव शेयरिंग, ई कॉमर्स वेंडर नीड टू क्लियरली एक्सप्लेन दैट व्हाट द वेंडर प्लान इज टू डू विद द वेरियस इन्फॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर। या आप इस तरीके से समझ लीजिए कि प्राइवेसी पॉलिसी के तहत जो आप अपना कार्ड जो आप अपना सेव करते हो, वो उसको सेफ रखना चाहिए। आपका जो एड्रेस है या ईमेल एड्रेस है, वो उसको किसी और को बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेची भी जाती है इंटरनेट मार्केटिंग के लिए, तो वो बेचे ना, सब कुछ सेफ रखे, यही होता है ई कॉमर्स वेंडर के लिए। नेक्स्ट, हमने कंपोनेंट्स में यूजर देखा, ई कॉमर्स वेंडर देखा, अभी तक ई कॉमर्स वेंडर की बात कर रहा हूं। ये लास्ट बात करते हैं, ई कॉमर्स वेंडर सिक्योरिटी पे भी ध्यान देता है। सिक्योरिटी किसकी सर,
represent the security policy adopted by the e-commerce vendor. Vendor website need to state that the online data used to transact the safe and vendor is using appropriate security, including security system like SSL, secure socket layer. This guaranteed that the data is provided to customer is not fall into the hand in a malicious hackers while transferring his or computer to web server. भाई जब अपना वेब सर्वर्स दे रहे हो ना, आपने पेमेंट किया, कहीं कोई बीच में मैलिशियस यूजर मतलब गलत आदमी आके पेमेंट अपने पास नहीं ले सकता, सब कुछ सेफ रहेगा, सिक्योर्ड लेयर के तहत काम होता है, सिक्योरिटी कंसर्न होना चाहिए कुल मिलाकर के किसको, इंटरमीडियरी को, इंटरमीडियरी कौन सर, ई कॉमर्स वेंडर को, किसको सर, ई कॉमर्स वेंडर को, किसको सर, ई कॉमर्स वेंडर को। हमने दो कंपोनेंट्स में यूजर पढ़ा, ई कॉमर्स वेंडर पढ़ा, अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिकॉज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ई कॉमर्स पॉसिबल ही नहीं है। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर द कंप्यूटर सर्वर डाटाबेस मोबाइल एप्स डिजिटल लाइब्रेरीज डाटा इंटरचेंज इनेबलिंग द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। भाई तुम, मैंने आपको क्या बताया था, लैपटॉप के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू ही तो जाते हैं, सर्वर्स क्या हो गए। अब जब ये फ्लिपकार्ट आया तो फ्लिपकार्ट के पास तो 1 करोड़ कस्टमर्स हैं, यहाँ समझ लो 100 करोड़ कस्टमर्स का एड्रेस। आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो उस पर, अपनी आईडी बनाते हो, लॉगिन करते हो, तो एड्रेस, नेम, क्या प्रोडक्ट रखे, इवन आपका 2 साल पुराना भी कार्ड में आपने क्या आइटम परचेज किया था, ऑर्डर हिस्ट्री, सब कुछ मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा उसको चाहिए क्या, क्लाउड स्पेस, स्पेस, तो वो क्लाउड का यूज करता है। और इन सारे फंक्शंस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, सर्वर्स चाहिए सर, ये सारी के सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है। तो कंप्यूटर सर्वर्स डाटाबेस के बारे में यही बताया, देयर आर द बैकबोन ऑफ द सक्सेस ऑफ द वेंचर। बिग कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट टू द मनी टाइम इन क्रिएटिंग द दीज सिस्टम्स, क्रिएट करने में सिस्टम को बहुत पैसा और मनी बर्बाद करते हैं वो लोग, इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए बर्बाद नहीं। They store the data program used to run the whole operation of the organization. सारे के सारे information आपने कब क्या की, जो मैंने बताया उसको store करने के लिए इतना बड़ा storage चाहिए, वो कहाँ से आता है सर, cloud storage से आता है, वो अपने खुद के personal clouds भी बना के रखते हैं, जैसे Amazon का cloud है, Amazon.com जो है, जो world level पे है, Amazon.in India में भी है, इनका cloud, इनका personal cloud है, okay? As cloud computing increasingly being used, many small mid-sized e-commerce organizations have started using shared infrastructure. मतलब इंडिया का कोई क्लाउड है, मान लो Zomato तो सर इंडिया का केवल है नहीं, कोई भी ऐसा, मान ली आप उठे, आपने कहा फोन कीड़ा, फोन केवल बेचते हैं, कोई और उठा, उसने बोला अच्छा तुम फोन मिलते हो, मैं तो लैपटॉप बेचता हूँ केवल, तो लैपटॉप बाबा, ये दोनों इंडियन ने मिलकर अपना खुद का क्लाउड तो बनाने के लिए नहीं थे, अपना अपना पर्सनल क्लाउड नहीं ले सकते थे, बट एक क्लाउड दोनों का मिल के जिसपे दोनों शेयर कर रहे हैं, तो मिड साइज के या स्मॉल साइज के वेंडर्स क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके शेयर्ड क्लाउड भी यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं, देखो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कंप्यूटर सर्वर एंड डाटाबेस के बारे में पढ़ दिया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे सर, अब हम पढ़ रहे हैं मोबाइल एप्स के बारे में, किसके बारे में सर, मोबाइल एप्स के बारे में, मोबाइल एप्स। ये देखो ग्रीन टेक्स्ट मैंने दिया है, इट मीन्स इसको एक बार आपको रफ रीडिंग करने की जरूरत है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि आप डेली आप मोबाइल एप्स का यूज करते हैं, इस समय ये क्लास भी आप मोबाइल ऐप, अगर लैपटॉप पे हैं तो यूट्यूब, वरना आपने मोबाइल यूट्यूब ऐप पे ही पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल एप्स आप खुद ही अभी पढ़ेंगे, ओके सर, खुद ही अभी पढ़ेंगे आप मोबाइल ऐप्स के बारे में, क्लास को पॉज करिए और 2 मिनट तक मोबाइल ऐप्स के बारे में पढ़ लीजिए, ओके सर। अब बात करते हैं डिजिटल लाइब्रेरी की, तो डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, इसको मैं समझाता हूँ, थोड़ा क्लियर कर लूँ ये सब कुछ। आप अगर लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है सर, लाइब्रेरी वो प्लेस होती है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, हैं, हाँ सर लाइब्रेरी वही तो होती है, किताबें ही किताबें होती हैं, ज्ञान का समुंदर होता है सर लाइब्रेरी में, आर्ट की बुक्स भी मिल रही हैं, साइंस की भी मिल रही हैं, कंप्यूटर्स की भी मिल रही हैं, मेडिकल की भी मिल रही हैं, और अपनी सीए वाली तो अपने टेबल पे रहती है। ये लाइब्रेरी बुक्स का स्टोर होता है जिसमें हमें क्या मिलता है, मतलब बुक्स छोड़ो, इट मींस इंफॉर्मेशन का भंडार है। अब चूंकि इंफॉर्मेशन हो चुकी है डिजिटल सर, डिजिटल मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में भी होती है, ऑडियो फॉर्मेट में भी होती है, वीडियो में भी होती है, विजुअल भी होती है, हर तरह की इंफॉर्मेशन पाई जाती है, वो भी डिजिटल फॉर्मेट में, तो क्या इसको भी सेव रखना किसी बाउंड्री में जरूरी है? दैट्स कॉल्ड डिजिटल लाइब्रेरी, दैट्स कॉल्ड डिजिटल लाइब्रेरी, ओके।
यस सर, ये तो समझ में आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल लाइब्रेरी ना एशिया की बिगेस्ट डिजिटल डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ है, एशिया की बिगेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी आपके एनआईटी सिलचर में है। एनआईटी सिलचर में है आपकी एशिया की बिगेस्ट लाइब्रेरी, ओके, डिजिटल लाइब्रेरी आई मीन बिगेस्ट लाइब्रेरी, बिगेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी जिसको कहेंगे। और डिजिटल लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरी विद अ फोकस्ड कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन इंक्लूड टेक्स्ट, विजुअल मटेरियल, ऑडियो मटेरियल, वीडियो मटेरियल स्टोर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर्मेट्स। मतलब जिस तरीके से किताबी ज्ञान को लाइब्रेरी में रखते थे, वैसे डिजिटल ज्ञान को डिजिटल लाइब्रेरी में रखते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वीडियो मटेरियल हो, स्टोर होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर्मेट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर्मेट से स्टोर होता है। ये बात तो अपनी समझ में आ गई है। उसके बाद कहता है कि अलॉन्ग विद द मीन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करता है, उसको स्टोर करता है एंड रिट्रीविंग द फाइल एंड मीडिया कंटेंट इन अ लाइब्रेरी कलेक्शन। आपको क्या हुआ, बुक्स का मान लीजिए आपको किसी बुक की नीड है, आप आके यहाँ से वापस उस सब्जेक्ट के बारे में लाइब्रेरी से जान जाते हैं ना, उसी तरीके से जिस इन्फॉर्मेशन को आपको दोबारा जानना है आप डिजिटल लाइब्रेरी में जाके उससे स्पेसिफिक वीडियो को, उससे स्पेसिफिक ऑडियो को, उससे स्पेसिफिक टेक्स्ट को देख लेते हैं। तो रिट्रीवल का मतलब यहाँ पे यही है। डिजिटल लाइब्रेरी कैन वेरी immensely in size and scope and can be maintained by individual organizations and affiliated with established or physical library buildings or institutions or the academic institutions। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसने कहा यार डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है ना ये बेहद अपने साइज या स्कोप के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। इनका साइज वैसे भी बहुत बड़ा होता है और वो भी इंडिविजुअल भी मेंटेन कर रहे होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी मेंटेन कर रही हैं, कहीं कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एफिलेट करके मैनेज कर रही हो, तो कहीं कोई फिजिकल लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग में ही हो रहा होता है या कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बोला एनआईटी सिलचर वाली बात इस तरीके से मेंटेन हो रहा होता है। बट डिजिटल लाइब्रेरी मेंटेन बहुत तरीकों से हो रही होती है। द डिजिटल कंटेंट मे बी स्टोर्ड लोकली और एसेस्ड रिमोटली वाया कंप्यूटर नेटवर्क एंड इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। कोई नई बात नहीं लिखी है, रिमोटली कहीं हो सकता है कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, इट मीन्स आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं तो आपके सिस्टम का डाटा आपके सिस्टम में ही सेव हो रहा होता है, या फिर अगर आप बैंक के सिस्टम में काम कर रहे हो तो बैंक के सर्वर में काम कर रहा होता है, तो रिमोट लोकेशन मतलब आप रिमोटली अपने सिस्टम से बस उसको देख पाते हैं, स्टोर कहीं और हो रहा होता है। उसी चीज़ के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी भी ऐसी होती हैं। डाटा इंटरचेंज, सर ये चौथा कंपोनेंट है क्या डाटा इंटरचेंज? ना ना ना, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को समझाने के लिए डाटा इंटरचेंज को भी समझाते हैं। सर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को समझाने के लिए डाटा इंटरचेंज को समझा रहे हैं, मुसीबत क्या है अगर डाटा इंटरचेंज ना हो? मुसीबत क्या है? ओके, आपको लगी है बहुत ज़्यादा भूख, आप रहे हो रो, आपको सैड, आपको लगी है भूख, आपको अचानक से एक शॉप दिखी और इस शॉप ये है फूड शॉप और आपके पास में 10,000 रुपये भी, अब आपको जाना है यहाँ कुछ खाने, आपको लैंग्वेज आती है हिंदी या इंग्लिश, बट इस फूड स्टोर के मालिक को लैंग्वेज आती है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच। अब आप जाके बोल रहे हो, पैसे भी दे रहे हो उसको, तब भी ये आपको माल नहीं दे पा रहा। आप इशारों में बात कर रहे हो तो भी आपको ना पैसा दे रहा है ना माल दे रहा है। सर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ गई। अगर आपको हिंदी आती है, इनको ओनली इंग्लिश आती है तो प्रॉब्लम है, आपको फ्रेंच आती है, इसको फ्रेंच नहीं आती है तो प्रॉब्लम है। मतलब एक कॉमन लैंग्वेज का, दो लोगों में कम्युनिकेशन के लिए कॉमन लैंग्वेज का होना जरूरी है। उसी तरीके से जब केवल केवल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो दो डिवाइसेस या दो नेटवर्क जब कनेक्टेड होते हैं ना, दो नेटवर्क जैसे टेलीकॉम नेटवर्क में भी आइडिया का और जियो का जब कनेक्ट हो रहा है तो दो नेटवर्क या दो डिवाइसेस कनेक्ट होने के लिए भी इनके बीच में सेम लैंग्वेज का होना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल रूल्स जो होते हैं ना, जिसपे काम कर रहे होते हैं, सेम प्रोटोकॉल का होना जरूरी है जिससे ये क्या कर पाए, डाटा इंटरचेंज कर पाए। उसी के बारे में बात करेगा ये। देखिए डाटा इंटरचेंज इज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ डाटा फॉर इंश्योरिंग द करेक्टनेस ऑफ डाटा इंटरचेंज बिटवीन मल्टीपल प्लेयर ऑफ ई कॉमर्स। यार मल्टीपल प्लेयर जो ई कॉमर्स हैं उनके बीच डाटा के इंटरचेंज की बात कर रहा है यहाँ पे। बिजनेस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल आर बीइंग यूज्ड, बिजनेस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बता दिया उन्होंने, बिजनेस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल या सारे के सारे ई कॉमर्स इसी पे हैं जिससे वो कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे से भी। अगर इस जो कोई मान लो ये ई कॉमर्स 1, 2, 3 ये अलग प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, P1, ये P7 यूज कर रहा है, ये P3, ये तीन अलग अलग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो क्या ये कभी एक दूसरे से बात कर पाएंगे? ये वही बात हो गई ना, इसको फ्रेंच आती है, इसको इंग्लिश आती है, इसको हिंदी आती है, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, इसलिए ये सेम प्रोटोकॉल यूज करते हैं। देखो देर आर
डिफाइंड स्टैंडर्ड टू इंश्योर, कुछ स्टैंडर्ड हैं प्रोटोकॉल के, डिफाइंड स्टैंडर्ड हैं जिससे कि एग्जैक्ट कम्युनिकेशन हो सके इन ई कॉमर्स। ओके ओके सर, अब नेक्स्ट कंपोनेंट आ गया। अभी तक तीन कंपोनेंट हमने पढ़ लिए और तीन कंपोनेंट को आपने यहाँ लिख दिया। आपने नहीं लिखा है तो आप लिखेंगे यहाँ पे यूजर, दूसरा कंपोनेंट क्या जो था, और तीसरा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूजर, वेंडर, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा अब आप क्या लिखेंगे, नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क। ठीक है, देर इज अ की सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। इंटरनेट नहीं होगा तो फ्लिपकार्ट वहां बैठा रह जाएगा, आप अपने घर पे बैठे रह जाएंगे, आप अपने होम पे बैठे रह जाएंगे। तो दिस इज अ क्रिटिकल इनेबलर फॉर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन गो थ्रू। नेट कनेक्टिविटी इज प्रेजेंट डेज कैन बी थ्रू ट्रेडिंग ट्रेडिशनल एज वेल एज न्यू टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल वे में भी चल रहा है, अभी भी तारों वाले भी चल रहे हैं और वाईफाई राउटर्स भी चल रहे हैं, कुछ अलग बात नहीं लिखी है। देखो यहाँ बोला द फास्टेस्ट नेट कनेक्टिविटी लीड्स टू द बेटर ई कॉमर्स, मेनी मोबाइल कंपनीज हैव लॉन्च 4G मोबाइल। सबसे पहला लाइफ ने जो जियो के साथ आके किया तो उसके बाद सबके सब 4G पे आ चुके हैं। द सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स ट्रेड डिपेंड्स अपॉन द इंटरनेट कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट अ ग्लोबल लेवल। इट इज लिंक टू द कंट्रीज कैपेबिलिटी टू क्रिएट अ हाई स्पीड नेटवर्क। द लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक 5G 4G हैव ऑलरेडी मेड इन रोड्स इन इंडिया। 4G और 5G रोड्स आ चुकी है इंडिया में। रोड्स मतलब चलाने वाली रोड्स नहीं सर, मोबाइल कनेक्टिविटी वाली रोड। ये 4G टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की बात कर रहा है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए 4G 3G ये जो इनके कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं, यही तो इनके डाटा के आने जाने के रास्ते हैं, रोड बन गई। यही मेरा कहने का मतलब था यहाँ पे, लेकिन इनका मतलब रोड कुछ और है, आप लिटरल मीनिंग रोड से मत ले लीजिएगा। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट समझ में आ चुका है। सर अब बात करो वेब पोर्टल की, ये भी क्या कुछ आसान बात है? बहुत आसान बात है भाई। वेब पोर्टल होता ही क्या है, flipkart.com, यही आपका वेब पोर्टल। ओके सर, flipkart.com हो गया मेरा वेब पोर्टल, जी हाँ। चलिए सर और भी जरा इसको कुछ देखते हैं। दिस कैन बी प्रोवाइडेड द इंटरफेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन शैल परफॉर्म ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। वेब पोर्टल इज एन एप्लीकेशन थ्रू विच यूजर इंटरेक्ट विद द ई कॉमर्स वेंडर। ये ऐसे एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से यूजर इंटरेक्ट करता है ई कॉमर्स वेंडर से। मतलब flipkart.com पे आप कैसे जाते हैं, वेब पोर्टल flipkart.com, फ्लिपकार्ट से आप flipkart.com के थ्रू जा पाते हैं ना, ये वेब पोर्टल है। द फ्रंट एंड थ्रू विच यूजर इंटरेक्ट ऑफ द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। फ्रंट एंड होता है इसकी वेबसाइट की बात कर रहा है। दिस वेब पोर्टल्स कैन बी एसेस्ड थ्रू डेस्कटॉप, लैपटॉप, PDA, हैंडहेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मतलब मोबाइल समझ लो, और नाउ थ्रू द स्मार्ट TVs ऑल्सो। द सिंप्लिसिटी ऑन क्लैरिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ द वेब पोर्टल डायरेक्टली लिंक विद द कस्टमर्स एक्सपीरियंस फॉर बाइंग अप ऑनलाइन प्रोडक्ट। ई कॉमर्स वेंडर पुट अ लॉट ऑफ मनी एंड एफर्ट इन दिस एस्पेक्ट। अपनी वेबसाइट बनाने की बात करें, वही हो गया वेब पोर्टल। पेमेंट गेटवे, अब सामान बेच रहे हैं तो पैसा तो मंगाना है, यही हो गया मेरा छठवा कंपोनेंट। द कंपोनेंट मेड थ्रू The payment made through the which customers shall make payment. Payment gateway presented to e-commerce, m-commerce vendor collect the payment. The payment gateway is another critical component of e-commerce setup. These can be the last and most critical part of the e-commerce transaction. भाई बहुत critical part होता है, CC Avenue and all that की तरफ payment secure होना चाहिए, payment की security बहुत important हो जाती है। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। या फिर payment के बहुत से method दिखा देता है, ऐसे wallet बताता है, SBI बड़ी बताता है, Paytm देता है, cash on delivery देता है, United Payment Interface भी provide करता है, आपका फोन पे भी आ चुका है, UPI भी लेते हैं। ये ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम्स के बारे में बात कर रहा है, जो कि छठवा मेन कंपोनेंट है। तो हम याद करें तो क्या क्या कंपोनेंट थे इसके, इसके कंपोनेंट थे सर, पहला यूजर, दूसरा वेंडर, तीसरा इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा आपका रहता है इंटरनेट या नेटवर्क, पाँचवा था वेब पोर्टल, छठवा है पेमेंट गेटवे। और ये छहों के छहों ये जो हेडिंग्स है ना आपकी, नंबर दो नंबर हेडिंग, इसके बीच में आपको यहाँ पे जरूर से लिखना है। जो जो नहीं लिखेगा उसका इंटरनेट स्लो चलेगा। आप ये चार और पांच यहाँ पे और ये सिक्स यहाँ पे आप लिख लेंगे जरूर से। ओके सर, यस सर, ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। थर्ड टॉपिक आता है हमारा आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम। ओके ओके सर, जब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 3 की, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम, कोई भी नेटवर्क कैसे काम कर रहा होता है, मतलब सर काम करने के तरीके की बात कर रहा है, नेटवर्क की बात कर रहा है, कोई नेटवर्क कैसे काम कर रहा होता है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है, आर्किटेक्चर इज एन अ टर्म डिफाइन द स्टाइल एंड डिजाइन एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज जनरली फॉर बिल्डिंग एंड अदर फिजिकल स्ट्रक्चर। मतलब सर आर्किटेक्ट कौन होता है सर, आपने कई बार सुना होगा जो घर बना रहे हैं ना, घर का मॉडल बना के कुछ लोग दे रहे होते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि घर ऐसा बनेगा, तो घर का मॉडल बताने वाला एक होता है आर्किटेक्ट। इसी तरीके से जब सिस्टम
सिस्टम कैसे काम करेगा, सिस्टम वर्क कैसे करेगा, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे जुड़े रहेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन, यहाँ से समझिए आप, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे जुड़े रहेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन आएगी जाएगी दिखेगी प्रोसेस्ड होगी स्टोर होगी, ये सब क्या हो जाता है, सिस्टम का आर्किटेक्चर बन जाता है। ओके ओके सर, ई कॉमर्स डिनोट द वे नेटवर्क आर्किटेक्चर आर बिल्ड। ई कॉमर्स रन थ्रू नेटवर्क कनेक्टेड सिस्टम, बहुत से नेटवर्क कनेक्टेड सिस्टम के थ्रू, भाई ई कॉमर्स का आपके लैपटॉप से कनेक्ट होता है ई कॉमर्स, तो एक नेटवर्क के थ्रू ही तो कनेक्ट होता है, तो उसकी बात कर रहा है। नेटवर्क सिस्टम कैन बी यूज टू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, नेमली दो तरीके के आर्किटेक्चर यूज होते हैं, कौन कौन से दो तरीके के, वो होता है टू टीयर आर्किटेक्चर और थ्री टीयर आर्किटेक्चर। सर टू टीयर आर्किटेक्चर और थ्री टीयर आर्किटेक्चर, देखो सर दोनों में डिफरेंस तो बता दो आप। देखिए कुछ आर्किटेक्चर क्या होते हैं कि पहली बात आपको जो काम करना है वो आपको दिखता है आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे दिख रहा होता है कि आपको काम क्या करना है, ठीक है पता है, यस सर पता है, और आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे ही एप्लीकेशन होता है जिस पे वर्किंग भी हो रही होती है, हैं स्क्रीन पे हो रही, स्क्रीन मतलब आपके क्लाइंट की एप्लीकेशन, मतलब आपके पास ही सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर आपके पीसी में ही होता है, बट डाटा स्टोरेज का काम बाहर कहीं हो रहा होता है। जिस तरीके से बहुत सी फोटोज भी होती हैं, फोटोज एडिट आप कर लेते हो या डिफरेंट पीडीएफ एडिटर्स जो होते हैं, क्या होता है पीडीएफ आपके लैपटॉप स्क्रीन पे, आप इस पे काम कर रहे हो या आप बुक राइटिंग का काम कर रहे हो, चलो तो आप वर्ड फाइल में लिख रहे हो, तो वर्ड कहाँ पे है आपके सिस्टम पे है, लिख भी अपने सिस्टम पर है बट सेव आप कर देते हो ई बुक को कहाँ पे, डाटा स्टोरेज पे, आप किसी और लोकेशन पे या किसी और सिस्टम से फिर इस पे काम कर पाते हो, ठीक है। तो ये इस टाइप का आर्किटेक्चर कहलाता है टू टीयर आर्किटेक्चर, जिसमें एक लोकेशन, ये देखिए जो इरेजर चल रहा है, एक लोकेशन होती है क्लाइंट की और दूसरी लोकेशन होती है डाटा स्टोरेज की, क्या डाटा स्टोरेज की। In a two-tier network, client user sends request to server and server responds to the request by fetching the data from it. Client भेजेगा server को request कि इस वाली ebook को हम लिख रहे थे और उसके बाद ये इसको response करेगा, ठीक है आप लिख रहे थे तो लो open फिर से आपके सामने आपकी access हो गई, आप इस पर फिर से काम कर लो। तो इसमें क्या हुआ, the two-tier architecture is divided into two-tier presentation tier और database tier, ये हो गया presentation tier और ये हो गया database tier। हम जिस ईबुक पे काम कर रहे हैं वो यहाँ है, लेकिन काम करके हम छोड़ दिए डे वन को, वो सेव हो गई मेरे डाटा स्टोरेज पे, अब डे टू पे हम चले गए, यहाँ पे हम थे इंडिया में, हम चले गए मॉरिशस, मॉरिशस में टाइम मिला, हम सोचे बुक को अपनी कंप्लीट करें, तो हम चले गए इसके डाटा सर्वर से एसएस ले रहे हैं कि ये मेरी लिखी हुई बुक थी प्लीज हमको फिर से काम करने दो, ठीक है सर ठीक है। तो प्रेजेंटेशन टीयर, दिस इज द इंटरफेस दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द ई कॉमर्स एम कॉमर्स वेंडर, जो ई कॉमर्स एम कॉमर्स वेंडर था जो हमको स्टोरेज दे रहा था उससे एसेस कराता है ये। यूजर कैन लॉग इन एन ई कॉमर्स वेंडर थ्रू दिस टीयर, द एप्लीकेशन ऑल्सो कनेक्ट द डाटाबेस टीयर एंड डिस्प्ले द वेरियस प्रोडक्ट एंड प्राइजेस टू कस्टमर्स। ओके सर ओके, अब थ्री टीयर आर्किटेक्चर में भी प्रेजेंटेशन टीयर होती है, इसमें भी प्रेजेंटेशन टीयर होती है, आप अगर पढ़े तो occupy the level of display information related to the service available to a website, जो जो services available है website पे वो बताते हैं, Amazon के 1,00,000 product अगर हैं तो 1,00,000 product दिख रहे होते हैं। This tier communicate with the other tiers by sending result to the browser and other tiers in the network. Other tiers की बात अभी मत समझिए, आपको समझ में आएगा other tiers कौन कौन से हैं, other tiers कौन कौन से आपको समझ में आ जाएगा, बट अभी two tiers हैं, आप presentation tier दोनों में common है आप समझ लीजिए इतना। उसके बाद बात आती है database tier की, डाटाबेस टीयर मतलब डाटा स्टोरेज टीयर आप समझ लीजिए। डाटा स्टोरेज टीयर के बारे में बात करते समय हमें ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डाटा स्टोरेज की बात केवल कर रहा है, यहाँ पे हम कंप्यूटिंग की बात अभी नहीं कर रहे हैं। किसकी बात नहीं कर रहे हैं सर, हम कंप्यूटिंग की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ओके ओके, तो देखो डाटाबेस टीयर क्या कहता है, द प्रोडक्ट डाटा पिक्ड, द प्रोडक्ट डाटा, प्राइस डाटा, कस्टमर डाटा एंड अदर रिलेटेड डाटा are take here, user has not accessed the data information at this level but he she can display all data information stored here throughout the application tier. क्या बोला भाई, आपको जो जो यहाँ data stored है ना वो आपको देखने का अधिकार मिलता है through presentation layer, इससे ज्यादा कुछ बात नहीं लिखे इसमें, ठीक है।
इससे ज्यादा कोई भी बात नहीं लिखी है कि डाटाबेस टीयर में क्या होता है, आपको एसएस हो सके सब पूरा एसएस आपको नहीं मिलेगा डाटाबेस एसएस का, ये बात तो सही है क्योंकि इसके पास इसका एसएस होता है, इसका एसएस तो वेंडर के पास होता है, बट डाटाबेस एसएस का आपको अगर पूरा डाटाबेस का आपको पूरा एसएस नहीं मिल रहा है, बट इस पे सोर्स जो आपका पर्सनल ईबुक, मैंने ईबुक का एग्जांपल लिया ईबुक लिखने के लिए जो विभिन्न वेबसाइट्स हैं, अगर आपने कोई अपनी पर्सनल ईबुक लिखी है तो उसको आप देख के फिर एडिट कर सकते हो, मिस्टर रामलिंगम राजू की ईबुक आप थोड़ी देख सकते हो, इस पे नहीं देख सकते हो ना, वही बात यहाँ पे लिखी है कि लिमिटेड स्टोरेज आपको दी, स्टोर जो होता है वो आपको लिमिटेड एप्लीकेशन दे सकते हैं लेकिन आपको इसकी कंप्लीट एसेस नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। सर क्या थ्री टीयर आर्किटेक्चर, दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, टू टीयर और थ्री टीयर, थ्री टीयर आर्किटेक्चर में भी डाटाबेस की कुछ बातें लिखी हैं, जी हाँ थ्री टीयर आर्किटेक्चर में भी डाटाबेस की बातें लिखी हैं। अब आप इसको खुद से एक बार पढ़िए, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, एक सॉन्ग भी बजा देते हैं, आप इसको खुद पढ़िए और देखिए कि थ्री टीयर आर्किटेक्चर के बारे में क्या लिखा है, कहाँ तक लिखा है। पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि क्या बोल रहा है इसमें। अंजाम से पहले हाथ खुद से तुम लोगों ने वादा कर रखा था ना सीए बनने का, अड़े रहो उस पर। देखो डाटाबेस टीयर में इसमें लिखा क्या है, कुछ नहीं लिखा है। दिस टीयर हाउसेस द डाटाबेस सर्वर वेयर द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड, सेम बात वही लिखी है, यहाँ भी डाटाबेस टीयर था वही सब बातें, क्योंकि थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर दिया, इतना पूरा समझने पढ़ने की भी नीड नहीं पड़ेगी और ना आपको याद रहेगा। डाटा टीयर इंक्लूड डाटा प्रेसिस्टेंस मैकेनिज्म, कैसे डाटा वहाँ रहता है, डाटा एसएस की बात करेगा एंड ऑल दैट, सब कुछ डाटा से रिलेटेड यहाँ बात कर रहा है। इसमें क्या बोल देता है, अवॉइडिंग डिपेंडेंसीज ऑन द स्टोरेज मैकेनिज्म, अलाउ द अपग्रेड चेंजेस विदाउट द एप्लीकेशन टीयर, क्लाइंट
बींग अफेक्टेड बाई और इवन अवेयर द चेंजेस, मतलब क्या बोला, जैसे कि प्रेजेंटेशन इस वाले लेयर में क्या था, डाटाबेस लेयर में देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्लाइंट के पास था। तो अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड का 2007 वर्जन की जगह हमको अगर एमएस वर्ड 2010 चाहिए तो हमको अपने सिस्टम पे सही करना पड़ता, उसको क्लाउड से कोई मतलब ही नहीं था, अपने सिस्टम पे सही करना पड़ता। बट यहाँ पे थ्री टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, डाटाबेस में ही, डाटाबेस में एक एक क्लाइंट एक एक सिस्टम पे जाके नहीं चेंज करना पड़ता, बीच में एक एप्लीकेशन लेयर होती है जहां पे हम चेंज कर देते हैं तो सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, यूजर को पता भी नहीं चलता है कई बार तो कि चेंजेस क्या हो गए। टू कंक्लूड, इन थ्री टीयर आर्किटेक्चर, थ्री टीयर लाइक क्लाइंट सर्वर एंड डाटाबेस इज आर इन्वॉल्व इन दिस, द क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू सर्वर वेयर द सर्वर सेंड्स द रिक्वेस्ट टू डाटाबेस एंड फॉर डाटा based on the request or database send back to the server and from the server to database forward to the client, मतलब क्या कुछ नहीं। लैपटॉप लेके अभी तक आप जो यहाँ से बैठ के ऐसे काम कर रहे थे ना, अब इसमें क्या होता है बीच में एक टीयर आ जाता है एप्लीकेशन टीयर, थ्री टीयर आर्किटेक्चर में बीच में एक एप्लीकेशन टीयर आ जाती है, अभी मैं बता रहा हूँ वो क्यों आती है। लेकिन लिखा यहाँ क्या है कि लैपटॉप से आप भेजेंगे सर्वर एप्लीकेशन टीयर को कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये बात भेजेगी सर्वर के पास, सर्वर बोलेगा ठीक है तुम ले लो, तो एप्लीकेशन टीयर फिर आपको देगी। जो काम यहाँ डायरेक्ट हो रहा था वो काम अभी एप्लीकेशन टीयर के थ्रू हो रहा है। एप्लीकेशन टीयर क्या होता है अभी बताया जाएगा। टू टीयर आर्किटेक्चर में प्रेजेंटेशन टीयर और डाटाबेस टीयर है, जो थ्री टीयर आर्किटेक्चर में भी कॉमन है। अब सर टू टीयर आर्किटेक्चर में एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस देखो, जब क्लाइंट भी यहीं पे है, कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखिए, जब यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन भी यहीं पे और क्लाइंट भी है तो प्रोसेस बहुत तेज होता होगा, मेरे सिस्टम में ही यार सब कुछ है, मेरा सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में ही है तो प्रोसेस तेज होता होगा, ये एक फायदा है। इस तरीके के एडवांटेज लिखे, द सिस्टम परफॉर्मेंस हाई बिकॉज द बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक मतलब सॉफ्टवेयर समझिए भैया, एंड डाटाबेस आर फिजिकली क्लोज, दोनों एक ही कंप्यूटर में अगर हैं तो जिस कंप्यूटर में उसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है तो ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन का टाइम नहीं लग रहा इसलिए जल्दी काम हो जाता है। सिंस प्रोसेसिंग इज शेयर्ड बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, मोर यूजर कुड इंटरेक्ट विद द सिस्टम, मतलब प्रोसेसिंग जो है आधी प्रोसेसिंग यहां हो रही है आधी यहां हो रही है, इसलिए मोर यूजर्स आ सकते हैं इसमें, और बाय हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर इट इज इजी टू सेटअप एंड मेंटेन इंटायर सिस्टम स्मूथली। इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है क्लाइंट सिस्टम, समझ लीजिए ना, अपने टैली का सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे खुद ही लगा रखा है, स्टोरेज क्लाउड पे उसका है, छोटी सी एग्जांपल। डिसएडवांटेज क्या है, परफॉर्मेंस डिटोरिएट्स इफ नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज, परफॉर्मेंस खराब हो जाती है अगर नंबर ऑफ यूजर बढ़ गए, मतलब 10,000 यूजर अचानक से आ गए सर्वर बैठ जाएगा क्योंकि आपके पर्सनल सिस्टम में स्टोरेज पे एसएस ही नहीं कर पाएंगे आप, तो डिटोरिएट कर जाता है ये। देयर आर रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है इसका डीबीएमएस में, बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी नहीं होते हैं, और लैंग्वेज यूजर्स बाय सर्वर इज प्रोप्राइटी टू ईच वेंडर, अगर मान लो पांच वेंडर है तो पांच डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जो हम बात करते थे कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं होती है इसमें। लेकिन यही थ्री टीयर आर्किटेक्चर्स की बात आ गई, जब थ्री टीयर आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट होता है, एक एप्लीकेशन टीयर होता है, एक एप्लीकेशन सर्वर होता है, और डीबीएमएस डाटाबेस स्टोरेज मैनेजमेंट भी होता है। सर इतना कुछ होता है मतलब क्या है, देखो इतना कुछ होता है मतलब है थ्री टीयर आर्किटेक्चर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न एंड वेल एस्टैब्लिश्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है, वेल एस्टैब्लिश्ड है आर्किटेक्चर। इस थ्री टीयर आर द प्रेजेंटेशन टीयर, एप्लीकेशन टीयर एंड डाटा टीयर, डाटाबेस टीयर आप इसको समझ लीजिए। थ्री टीयर आर्किटेक्चर इज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन विच द फंक्शनल प्रोसेस लॉजिक डाटा एसेस कंप्यूटर डाटा स्टोरेज एंड यूजर इंटरफेस एंड डेवलप्ड आर मेंटेन्ड एज इंडिपेंडेंट मॉड्यूल ऑन सेपरेट प्लेटफॉर्म्स, मतलब प्रेजेंटेशन टीयर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने का काम होगा जो आप देखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स की डिटेल डिस्प्ले, प्रेजेंटेशन का मतलब ओनली यहाँ डिस्प्ले होंगी चीजें और कुछ नहीं होगा। उसके बाद सर एक एप्लीकेशन टीयर आएगा, समझ लो ये सॉफ्टवेयर आएगा, ये हमारा सर्वर अलग से होगा जो आपके नॉर्मल डेस्कटॉप लैपटॉप या वर्क स्टेशन पे नहीं है, आपके मोबाइल ऐप पे भी नहीं है, सर्वर अलग है। ये चीज केवल आपको क्यों, डिस्प्ले करने के लिए, हम तक संबंधित, हमसे जोड़ने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए, हमें देखने के लिए आप यूज कर सकते हो वो प्रेजेंटेशन लेयर। सारा काम सर्वर के थ्रू हो रहा होगा और ये सर्वर भी क्लाउड पे होते हैं, आपको जो चीज चाहिए आप सर्वर से बोलिए, हमें चाहिए, सर्वर जाएगा डाटाबेस के पास। तो इट मीन्स क्या हुआ, इन दोनों आर्किटेक्चर के बीच डिफरेंस क्या हुआ, डाटाबेस तो सर यहां भी था, डाटाबेस यहां भी आ गया, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन को अलग कर दिया, मतलब वो जो प्रोसेस पहले मेरे
पीसी पे ही होती थी, अब उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर लग गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और अलग सर्वर बैठ गया बड़े बड़े। इससे स्मूथली काम होगा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोड बैलेंसिंग भी संभाल पाएगा। अगर हमको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना होगा तो इस एक ही जगह सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लेंगे तो यहाँ का भी काम चल जाएगा, यहाँ पे भी काम चलेगा, यहाँ पे भी काम चलेगा, क्योंकि इन तीनों जगह तो सॉफ्टवेयर है नहीं, सॉफ्टवेयर एक ही जगह है। इन तीनों जगह से हम एसएस लेते हैं सिर्फ, बाकी जगह हम सॉफ्टवेयर के एसएस लेते हैं, तो अगर यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिए तो हर जगह अपग्रेड करने की नीड नहीं है। जबकि इसके पहले वाले में क्या होता था, यहाँ भी सॉफ्टवेयर था, यहाँ भी सॉफ्टवेयर था, यहाँ भी सॉफ्टवेयर था, तो हर जगह सॉफ्टवेयर को इंडिविजुअल बेसिस पे अपग्रेड करना पड़ता था। ओके ओके सर, समझ में आ गया? आ गया बिल्कुल। तो हमने एप्लीकेशन टीयर पढ़ना है, एप्लीकेशन टीयर पढ़ लेते हैं जरा। देखो एप्लीकेशन टीयर ऑल्सो कॉल्ड द मिडिल टीयर, लॉजिक टीयर। लॉजिक टीयर मतलब, यार मान लो मेरा एप्लीकेशन टीयर मेरा बिजनेस था अकाउंटिंग का, तो इसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा। मेरा बिजनेस ट्रांसपोर्ट होगा तो इसमें ट्रांसपोर्ट, रूट परमिट एंड ऑल, रूट कौन सा छोटा है वो होगा। अगर मेरा केमिकल का है तो किस रेशियो में कौन सा केमिकल रिलीज करना है ये होगा। तो एप्लीकेशन टीयर मतलब बिजनेस लॉजिक होता है यार। ठीक है सर, बिजनेस लॉजिक और लॉजिक टीयर। दिस टीयर इज पुल्ड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन टीयर, पुल्ड मतलब खींचता है प्रेजेंटेशन टीयर से। इट कंट्रोल एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी बाय परफॉर्मिंग डिटेल प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने का काम कौन करता है, ये जो सर्वर है यहाँ पे। इट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिजनेस लॉजिक एंड डोमेन लॉजिक इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड इनकोड्स द रियल वर्ल्ड बिजनेस रूल्स एंड डिटरमाइन हाउ डाटा कैन बी क्रिएटेड, डिस्प्लेड, स्टोर्ड एंड चेंज्ड। यही बताता है कि कैसे कैसे डाटा बनेगा, कैसे दिखेगा, कैसे स्टोर करेंगे, किस डाटा को चेंज करना है, क्योंकि ये रियल टाइम बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर ये कोई एक टैक्स सॉफ्टवेयर होता तो ये जीएसटी रूल्स में आने वाली अमेंडमेंट को खुद के अंदर कंक्लूड करता, इनकम टैक्स के अंदर आने वाली अमेंडमेंट को कंक्लूड करता। आप इस छोटी से छोटी एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं चीजों को। ठीक है सर। तो अभी तक हमने एप्लीकेशन टीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर में टू टायर समझ लिए, टू टायर और थ्री टायर सबको समझ लिया। लेकिन सर टू टायर के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस तो देख लिए, थ्री टायर के भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होंगे जिसकी हेडिंग पढ़ के समझ में आई। क्लियर सेपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस कंट्रोल एंड डाटा प्रेजेंटेशन फ्रॉम एप्लीकेशन लॉजिक। क्लियरली हमको पता है कि ये प्रेजेंटेशन टीयर है और यहाँ पे एप्लीकेशन टीयर है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, काम होता है। क्या हमको यहाँ पे कहीं क्लियर पता चल रहा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ है, प्रेजेंटेशन क्या है? वो तो मिक्स मैच था, बट यहाँ पे क्लियर प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो डोमेन लोड बैलेंसिंग, डायनेमिक लोड बैलेंसिंग। बहुत ज्यादा लोग अचानक से आके भी सर्वर को अगर कैप्चर करने की कोशिश किए ना तो भी सर्वर में दिक्कत नहीं आता, वो सबकी लोड को संभाल लेता है, लोड बैलेंस कर लेता है, क्योंकि लोड बैलेंसिंग के लिए अलग से डेडिकेटेड सर्वर ही है भाई, तो लोड बैलेंसिंग का भी काम कर लेता है। चेंज मैनेजमेंट, अगर क्या हो गया, इट इज इजी टू फास्टर टू चेंज द कंपोनेंट ऑफ द सर्वर टू फर्निश न्यूमेरियस पीसेस विद द न्यू वर्जन। मतलब कि अगर अचानक से जीएसटी में या टैक्सेस में कोई अमेंडमेंट आ गई है, जीएसटी या टैक्सेस में कोई अमेंडमेंट आ गई है, तो तुरंत हम कहां चेंज करेंगे, अपने इस सर्वर पे चेंज करेंगे, अपने इस सर्वर में चेंज कर देंगे, तुरंत अपने इस सर्वर में चेंज कर दिए तो हर जगह इससे कनेक्टेड जितने भी पीसीज हैं सब में ये ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा, इंटीग्रेट आ जाएगा। मतलब इस एक सर्वर पे चेंज करने से बाकी जगहों पे चेंज आ जाएगा, ये मेरा फायदा है। जबकि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता था, अलग अलग सारे सिस्टम पे उस ऐप को, मान लो कॉम्पुटेक्स है तो कॉम्पुटेक्स इसमें भी अपडेट करो, इसमें भी अपडेट करो, इसमें भी अपडेट करो, तीनों में अपडेट करना पड़ता, जो कि इस थ्री टीयर आर्किटेक्चर के अंदर नहीं है। बट डिसएडवांटेज भी क्या है भाई, अगर ये इतना बेहतरीन है तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी खैरे पड़ जाता है। इसमें क्रिएट करने के लिए इंक्रीज करके नेटवर्क ट्रैफिक, ये पता नहीं कितने आ रहे होंगे, अचानक से 100,000 लोग इसको एसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर का हो गया, तो नेटवर्क ट्रैफिक की मैनेजमेंट करनी पड़ती है हमें, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और इसकी मेंटेनेंस टूल ना करेंटली इनएडिक्वेट्स हैं, बंद तो गए लेकिन इसको कैसे मेंटेन करें पता ही नहीं चलता। अगर मान लो कोई अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है में किसी प्रोमो कोड के बेसिस पे किसी को डिस्काउंट मिलने, तो कैसे करें कि उस प्रोमो कोड का रीयूज ना हो, ये सब कुछ देखना पड़ता है और ये सब कुछ देखने के लिए बहुत ज्यादा मेंटेनेंस टूल लगते हैं जो करंटली इनएडिक्वेट है और हमारा ये सिस्टम रिलेटिवली इमेच्योर भी है, यही इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ओके क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है, ये चीज क्लियर तो होनी ही चाहिए थी। अब बात करते हैं हम व्हाट व्हिच आर्किटेक्चर इज यूज्ड। हमने दोनों आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ लिया, अब कौन सा आर्किटेक्चर यूज करें, जो बेहतर होगा वो यूज करेंगे। देखो दोनों आर्किटेक्चर पढ़ लिया हमने, ये वाला आर्किटेक्चर भी पढ़ा, हमने ये वाला आर्किटेक्चर भी पढ़ा, जो बेहतर होगा वही यूज करेंगे ना। तो आप जब इसको पढ़ेंगे, इस चीज को आप खुद पढ़िएगा। देखिए ऑल ई कॉमर्स एप्लीकेशन फॉलो थ्री टीयर आर्किटेक्चर, क्यों? क्योंकि थ्री टीयर बेहतर था, मैंने बता दिया आपको, सिर्फ यही बात इसमें लिखी हुई है, इसको आप सेल्फ रीड कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक्स पर हम आते हैं, ई कॉमर्स आर्किटेक्चर वाइड इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू कैसे ई कॉमर्स आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, ये आपके डेली रूटीन के काम धंधों की बात आ गई है यहाँ पे।
सर रूटीन के काम धंधों की बात से क्या मतलब? अरे आप कुछ ना कुछ परचेज सेल तो ई कॉमर्स वेबसाइट ट्रेड डेली कर ही रहे होते हो, इस बेसिस पे मैं ये बात कह रहा हूँ। देखिए, हम ऐसी चीज़ देखने जा रहे हैं जिसको आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। ई कॉमर्स आर्किटेक्चर बाय इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू ई कॉमर्स आर्किटेक्चर कैसे चल रहा है, ये भाई साहब हैं क्लाइंट। ये देख किस चीज़ पर है, क्लाइंट या इंड यूज़र, ये यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप का या डेस्कटॉप, दिख ही रहा है तो डेस्कटॉप ही लिखो ना सर आप। ये अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ये यूज क्या कर रहे हैं अपना डेस्कटॉप, क्या यूज कर रहे हैं अपना डेस्कटॉप। सर ये डेस्कटॉप के थ्रू क्या कर रहा है, इन्होंने डेस्कटॉप के थ्रू किया एक ऑर्डर प्लेस, मतलब इन्होंने एक लैपटॉप परचेज किया। चलो मैं बात करता हूँ, एक लैपटॉप परचेज कर लिया और लैपटॉप को अपने शॉपिंग कार्ट में डाल दिया। कार्ट में कोई भी प्रोडक्ट डालने के बाद आप क्या करते हो, उस कार्ट का पेमेंट कर देते हो। इन्होंने रुपे कार्ड से अपने अमाउंट का, जो ये लैपटॉप था 10,000 रुपये का, ये पेमेंट कर दिया। जैसे ही ऑर्डर पेमेंट हुआ, ऑर्डर फॉर्म बन के आएगा, इनवॉइस एक आ जाती है, समझ लीजिए एक इनवॉइस आती है। इसकी इंटीमेशन किसको, दो लोगों को थ्रू द मेल दे दी गई होगी। किसको, पहली बात तो कस्टमर को, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, मर्चेंट को, तुम्हारा प्रोडक्ट। ये डेल का कंप्यूटर था, डेल कंप्यूटर्स को बता दिया गया कि आपका ये कंप्यूटर बिक गया है, और एक बार वेयरहाउस को बोला गया कि डेल के इस सिस्टम को निकालो और लोड करके इस कस्टमर के एड्रेस पे भेज दो। ऐसा होगा, काम तो ऐसे ही होगा ना। बट सर एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है, सारा काम एप्लीकेशन लेयर का है। प्रेजेंटेशन लेयर तो पे थी, उसके बाद कार्ट से लेके पैसे लेने से लेके ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने तक का सारा काम, सारी की सारी काम कारस्तानी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लेयर की होती है। एप्लीकेशन लेयर का ये बड़ा सा, इतना बड़ा रोल है। सर तो डाटा स्टोरेज लेयर क्या है, डाटा स्टोरेज लेयर बता दूं मैं कहाँ थी, ये यहाँ थी, जहाँ पे आपने अपने प्रेजेंटेशन लेयर पे सिर्फ ये देखा कि डेल का लैपटॉप है, उसका स्पेसिफिकेशन ये और प्राइस ये है, यही सिर्फ इतना सा काम था डाटा स्टोरेज लेयर का, बाकी सारा काम एप्लीकेशन लेयर कर रही है। ओके ओके सर। अच्छा सर, अगर ये हम सिस्टम नहीं होते और मेरे हाथ में मोबाइल होता तो भी क्या ये हो सकता है? जी हाँ, फ्लिपकार्ट के ऐप्स तो आते ही हैं, अमेजोन का ऐप तो है ही। देखो ई कॉमर्स आर्किटेक्चर वाई वीडियो मोबाइल एप्स, सॉरी वीडियो नहीं, वाइड मोबाइल एप्स। एम कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑफ द सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेज सच एज सेलुलर टेलीफोन्स, पीडीएस मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। एम कॉमर्स इनेबल द यूजर एसेस एंड द इंटरनेट विदाउट नीडिंग टू फाइंड प्लग इन, बिना सॉकेट में प्लग को लगाए, जो चीज डेस्कटॉप में लगाना पड़ता था, आप नाउ खाली बैठे बैठे कहीं से कुछ भी मंगाते हो, कैसे रिटेल ट्रांजेक्शन करते हो मर्चेंट से, आप कैसे पेमेंट करते हो, भैया मोबाइल वॉलेट हम पेटीएम कर देंगे या डायरेक्ट उसको फोन वर्ट उसको हम यूपीआई कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, उसके बैंक में पैसा चला जाएगा। जैसे उसके बैंक में पता चल जाएगा अरे पेमेंट आ गया इस माल का, इस माल को भेजो, इसका तो पेमेंट आ चुका है। कैसे भाई, मर्चेंट के बैंक में जा सकता है, मर्चेंट के बैंक को पता चल जाएगा, हमारे बैंक को पता चल गया, मर्चेंट के बैंक को पता चल गया, फंड ट्रांसफर हो गया, इंटरनेट पे कंफर्मेशन भी आ गई कि पेमेंट मिल चुका है, पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा, माल भी पहुंच जाएगा यूजर के पास। तो चाहे हम लैपटॉप डेस्कटॉप से कर रहे हैं या पीडीएस से कर रहे हैं, दोनों से आज ई कॉमर्स हो सकता है। लेकिन सर ई कॉमर्स आर्किटेक्चर जब हम इंटरनेट के थ्रू यूज कर रहे हैं तो जो लेयर्स हैं, थ्री टीयर हम पढ़े थे लेयर, एक क्लाइंट या यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन लेयर और डाटाबेस लेयर। क्लाइंट और यूजर इंटरफेस लेयर क्या करते हैं, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर और इंटरनेट। भाई कुछ नहीं, www.flipkart.com हम कैसे निकालते हैं, मतलब ये गूगल क्रोम है मेरा, गूगल का क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जहां से हम यूजर इंटरफेस पाते हैं और हम उस वेबसाइट को पकड़ पाते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजोन की उस वेबसाइट पे पहुंच पाते हैं। इस एप्लीकेशन लेयर का पर्पस क्या होता है सर, दिस लेयर हेल्प्स टू ई कॉमर्स कस्टमर कनेक्ट टू ई कॉमर्स मर्चेंट। यहां पे थी तुम्हारा फ्लिपकार्ट, ये हैं आप, ये लेयर आप लोगों को कनेक्टिविटी करती है थ्रू www.flipkart.com। जब जैसे ही आपने डाला तो आपको कनेक्ट कर दिया, और कौन किया ये काम, क्लाइंट इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, ये कौन किया ये काम, गूगल क्रोम किया। तो गूगल क्रोम क्या है, क्लाइंट या यूजर इंटरफेस है। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर इज अ बैकएंड सर्वर, फॉर एग्जांपल इज द सेम एग्जांपल, इट इंक्लूड ई मर्चेंट, रीसेलर्स या लॉजिस्टिक पार्टनर। ये सब लॉजिस्टिक पार्टनर, ये क्या, ये लॉजिस्टिक पार्टनर था, ई सेलर था, ई मर्चेंट था, ये सारे के सारे को कौन प्रोसेस कर रहा था, एप्लीकेशन लेयर, यही एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। डाटाबेस लेयर क्या हो गई, द इंफॉर्मेशन स्टोर हाउस दैट ऑल द डाटा कीपिंग द प्रोडक्ट दैट प्राइस आर किप्ट, मतलब ये लैपटॉप जो है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, प्राइस क्या है, ये कौन रखेगा, बेस लेयर के अंदर ये बात स्टोर होती है। दिस लेयर इज एक्सेसिबल
यूजर थ्रू एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू, ये वाली जो मैंने बात बताई थी, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू यूजर को पता चल जाती है। और एप्लीकेशन लेयर क्यों होती है, इसका पर्पस क्या होता है? थ्रू दिस एप्लीकेशन कस्टमर लॉक्स टू द मर्चेंट सिस्टम एंड दिस लेयर अलाउ कस्टमर टू चेक द प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन मर्चेंट वेबसाइट। भाई हमको ये जो लैपटॉप चाहिए था ना, इसका मॉडल था L1300, ये अवेलेबल भी है कि नहीं कैसे देख पाएंगे हम? एप्लीकेशन लेयर के थ्रू हम ये सब चीज़ें ही करते हैं ना। एप्लीकेशन लेयर के थ्रू हम मेरे शॉपिंग कार्ट में हम जाएंगे, शॉपिंग कार्ट में तो तब जाएंगे जब दिखेगा। एप्लीकेशन लेयर के थ्रू हम डाटा स्टोरेज के पास पहुँचते हैं स्टोरेज लेयर में, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू स्टोरेज लेयर के पास पहुँचेंगे जहाँ पर ये पता चलेगा कि उनको L1300 का लैपटॉप है कि नहीं है। अगेन समझो कैसे काम होता है, अगेन 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 मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा आपको, अगेन मैं समझा दे रहा हूँ एक छोटी सी चीज कि कैसे काम होगा। रेड पेन लेते हैं, रेड इंक, देखते रहिएगा कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ को चलेगी। ये रबड़ का बस सब हट जाए, इतना टाइम तो लिखने में ना लगा था जितना टाइम मिटने में से लग रहा है। क्या हो गया, एप्लीकेशन लेयर, हम डेस्कटॉप के थ्रू बस पहुंचेंगे कि कहाँ है, हम पहुंचे www.flipkart.com पे। अब एप्लीकेशन लेयर बताएगी कि क्या फ्लिप, हम क्या लिखे यहाँ पे, लैपटॉप का L1300 मॉडल, L1300 मॉडल कहाँ है, क्या नहीं है, क्या प्राइस का, क्या स्पेसिफिकेशन का अवेलेबल है कि नहीं, ये कौन दिखाएगा, एप्लीकेशन लेयर दिखाएगा। एप्लीकेशन लेयर हमने जो बोला वो एप्लीकेशन लेयर के पास पहुंचा, एप्लीकेशन लेयर ना डेटाबेस लेयर के पास पहुंचेगी और यहां से इंफॉर्मेशन लेके अगेन फिर ये हमें पहुंचाती है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके ही तो हमें यहाँ पहुंचाती है। तो एप्लीकेशन लेयर के मदद से हम डाटाबेस लेयर की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, यही बात लिखी थी वहाँ पे। ओके ओके सर, अच्छा सर ये सारे काम जो आपने बताए ये जब हम मोबाइल एप्स के थ्रू कर रहे हैं तो भी होगा क्या? हाँ सब का सब, देख लीजिए सारी की सारी बातें यहाँ पे भी सेम लिखी है, मोबाइल एप्स के लिए अलग से इन्होंने हेडिंग बना के दिया है और सारी की सारी बातें सब कुछ यहाँ पे इन्होंने सेम लिख दिया है। बस एक चीज़ का फर्क आएगा जो मैं भी दिखाता हूँ। द की ग्रोथ इन द मोबाइल ई कॉमर्स सेक्टर इन द रिसेंट ईयर इज बीइंग कॉल्ड सो कॉल्ड एप्स, एप्स के कारण हमारा ई कॉमर्स बिजनेस बहुत बढ़ गया है, फ्लिपकार्ट अमेजोन सबके एप्स आ रहे हैं। एप्स शॉर्ट फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन आर स्मॉलर पीस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम और हैंडल्ड डिवाइसेज सच एज मोबाइल फोन्स, मतलब एंड्रॉयड और iOS के लिए जो बन रहे हैं वो एप्स होते हैं, टैबलेट्स में भी चलते हैं ये मोबाइल एप्स, कैन कम प्रीलोडेड ऑन हैंडल्ड डिवाइसेज। बहुत से मोबाइल्स में स्नैपडील पहले से होता है, फ्लिपकार्ट पहले से होता है, इवन वो सॉफ्टवेयर कंपनीज को, जैसे आपका मोटोरोला का मोबाइल है, मोटोरोला को पहले से पैसे दे दिए जाते हैं फ्लिपकार्ट का ऐप रखने के लिए। एंड कैन बी डाउनलोडेड बाई यूजर फ्रॉम द, और अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड तो कर ही सकते हैं थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। अब इस मोबाइल के थ्रू हो रहे हैं तो भी क्लाइंट एप्लीकेशन और डाटाबेस तीन लेयर आ गई। आप इमेजिन करो कि आप फ्लिपकार्ट का ऐप का यूज अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो भी ये तीन ही लेयर काम कर रही हैं। तो जो एप्लीकेशन लेयर है वो डिट्टो सेम लिखी होगी, आप पढ़ लीजिए। डाटाबेस लेयर का काम सेम ही है, कैसे? एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी, सब कुछ वही करेगी, एप्लीकेशन करेगी बैकएंड, मतलब सर्वर आपकी पूछी हुई इंफॉर्मेशन को सर्वर तक पहुंचाएगी, आपको डिटेल्स देगी। डाटाबेस लेयर क्या करेगी, बताएगी भाई ये L1300 का क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइस है, ऑल दैट ये आपको बताएगी। लेकिन क्लाइंट प्रेजेंटेशन लेयर थोड़ी बदल गई, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे आप काम कर रहे थे तो आपका प्रेजेंटेशन कुछ और था, जब मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन कुछ और है। देखो मोबाइल वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट एज एन एग्जांपल डिस्कस्ड अबव द यूजर बाइज अ मोबाइल फोन फ्रॉम ई कॉमर्स मर्चेंट इट इंक्लूड मोबाइल ऐप और यूजर। मोबाइल एप्स के थ्रू अगर कर रहा है ना, फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू जा रहा है तो वो गूगल क्रोम के थ्रू नहीं जा रहा है, तो उसको देखने, उसको प्रेजेंट होने का नजरिया, फ्लिपकार्ट प्रेजेंट होने का तरीका, फ्लिपकार्ट की प्रेजेंटेशन उसके लिए बदल गई, जैसा कि वो ऐप कस्टमाइज्ड दिख रहा है, बस इतना ही फर्क है। बट उसका पर्पस वही है, दिस लेयर हेल्प्स टू ई-कॉमर्स कस्टमर टू कनेक्ट द ई-कॉमर्स मर्चेंट, पर्पस वही है, बट क्या फर्क बदला है सर, प्रेजेंटेशन का तरीका बदला है। अगर वो ई-कॉमर्स वेबसाइट में क्रोम के थ्रू जा रहा था तो कुछ और कस्टमाइज्ड व्यू उसको मिल रहा था, लेकिन जब ये मोबाइल ऐप के थ्रू जा रहा है तो इसको मोबाइल ऐप कस्टमाइज्ड व्यू मिल रहा है। बहुत जगह वेबसाइट पे हम डेस्कटॉप व्यू भी लेते हैं, ठीक है, वही बात कर रहा है, मतलब किस तरीके का व्यू आप ले रहे हैं, किस तरीके की प्रेजेंटेशन है, वो मोबाइल कस्टमाइज है या डेस्कटॉप व्यू है, बस वो चेंज हुआ है मोबाइल ऐप के कारण और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ओके क्लियर है? हाँ सर क्रिस्टल क्लियर हो गया हमें तो ये टॉपिक। टॉपिक नंबर 3 भी हमने कर लिया, टॉपिक नंबर 2 भी हमने कर लिया, कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स, आर्किटेक्चर ऑफ ई कॉमर्स 1 टियर 2 टियर 3 टियर भी हमने कर लिया। अब आता है हमारा टॉपिक नंबर 4 जो वर्क फ्लो डायग्राम फ्रॉम ई कॉमर्स है, वर्क फ्लो डायग्राम फॉर ई कॉमर्स। हाँ सर देखो वर्क फ्लो डायग्राम की बात करते हैं तो हम डाटा फ्लो डायग्राम और फ्लो चार्ट ये दो टॉपिक छोड़े हैं, ये आप अपने मन से करने की कोशिश करिएगा, वरना लास्ट में मैं इसके लेक्चर्स भी डाल दूंगा। ओके
ओके सर, आइए हम पढ़ते हैं इसको, वर्क फ्लो डायग्राम एंड ई कॉमर्स। मेरे अकॉर्डिंग ना ये टॉपिक आपको सेल्फ करना चाहिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए सेल्फ, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। क्या होगा, कस्टमर आप ही हैं, सबमिट करते हैं अपना ऑनलाइन ऑर्डर, पे करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ऑर्डर चल जाता है वेयरहाउस में, शॉपिंग कार्ट में शिफ्ट होता है, वेयरहाउस से माल निकल के गाड़ी पे चलते 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 आप तक पहुंच जाता है। इससे ज़्यादा कुछ भी होता है नहीं होता है, उसी फ्लो को बताया जो फ्लो मैंने पीछे भी समझा दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें समझ में नहीं आया, और आज तक आप सबने कुछ ना कुछ ऑर्डर तो ऑनलाइन प्लेस किया ही हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है रिस्क, खतरा है भाई, खतरा है, रिस्क एंड कंट्रोल रिलेटेड टू ई कॉमर्स। जहां सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, सब कुछ ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा है, वहां पे कुछ रिस्क भी हैं, और जहां जहां रिस्क है वहां वहां कुछ ना कुछ कंट्रोल भी लगाने पड़ेंगे। तो क्या रिस्क है, क्या कंट्रोल है इन ई कॉमर्स, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ई कॉमर्स में क्या रिस्क है, क्या कंट्रोल है, इसको थोड़ा सा हम स्मूथली डिटेल में देखते हैं। रिस्क इन एन ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, ई कॉमर्स इन्वायरमेंट में क्या रिस्क है। रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस का रिस्क है सर। सर बहुत से रिस्क हैं यार, देखो मान लो क्या हो गया, आइए थोड़ा सा इसको बिग करते हैं, आपको बता दें बहुत से रिस्क हो सकते हैं इसमें, या अलग से देखने से अच्छा है डायरेक्ट हेडिंग के थ्रू ही पढ़ लें, क्योंकि अगर आपको हेडिंग पढ़ा देंगे तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। छोटा हो जाओ, रिस्क इन ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, ई कॉमर्स इन्वायरमेंट में किस तरीके के रिस्क हैं। देखो नॉर्मल बिजनेस में जो दुकानदार यहाँ पे आपको बैठा है ना, ये रिस्क, और ई कॉमर्स बिजनेस जहाँ कहीं कुछ दिख नहीं रहा होता है, आप कहीं ई कॉमर्स ऑपरेटर सेलर कहीं, ये बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है, इन्वायरमेंट ही पूरा अलग है ये। रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, क्या लॉस हो सकता है किसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी लॉस हो सकता है, कस्टमर को भी लॉस हो सकता है। द सेम मे बी रिजल्ट ऑफ इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्शन बाय इंडिविजुअल्स। सर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल मतलब क्या, इंटेंशनली कोई हैकर आया और जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स थे ना, जो 10,000 के थे या जो 100 रुपए के थे, सबका एक एक जीरो गायब कर दिया, 10,000 वाला 1,000 का जा रहा है, 100 वाला 10 रुपए का जा रहा है, तो ये इंटेंशनल हो गया। और अनइंटेंशनल मतलब जब पहली बार हम प्रोडक्ट को अपने, मेरा कोई नया स्मार्टफोन आया, नया स्मार्टफोन को जब हम लॉन्च किए और जब अपनी वेबसाइट पे हम डाल रहे थे ना सोल्ड के लिए, तो गलती से ऑपरेटर से 9,000 की जगह 1,000 के 900 रह गया, अनइंटेंशनल। तो दोनों से हमको लॉस हो सकता है, ठीक है। ठीक है सर, रिस्क एसोसिएटेड विद द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आर हाईली हाई कंपेयर टू जनरल इंटरनेट एक्टिविटीज, दीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। पहली बार तो प्राइवेसी का खतरा बहुत होता है, ई कॉमर्स बिजनेस में आप जा रहे हो, प्राइवेसी का खतरा बहुत है। आपने अपने कार्ड की डिटेल कहीं पे भी दे दी है तो आपको पहली बार तो डर होता है ना कि यार कार्ड की डिटेल दे दी है तो कहीं वो कोई कुछ कर ना ले। और दूसरी बात देखो, दिस इज एन ऑफन इशू टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनलाइज्ड डिजिटल एसेस और नॉलेज। पर्सनलाइज्ड डिजिटल तो हम जानते नहीं, जैसे मेरा दुकानदार तो मुझे पता है, दुकानदार पे हम जाते हैं, अपने पड़ोस की दुकान पे जब हम जा रहे हैं तो शॉपकीपर तो मुझे पहचानता है, बट मेरा लॉगिन आईडी अगर किसी ने हैक करके, लॉगिन आईडी पासवर्ड हैक करके अगर मेरे अकाउंट से कोई परचेज करने की कोशिश की, तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन थोड़ी पहचान रहा है कि जेन्युइन पर्सन परचेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वालिटीज इशूज आ सकते हैं, किस तरह के सर क्वालिटी इशू, आपने रेड कार्पेट मंगाया था बट आया ऑरेंज कार्पेट, प्रोडक्ट था कुछ और निकला कुछ और, आपको लग रहा है लार्ज साइज का प्रोडक्ट है बट एक्चुअल में प्रोडक्ट की साइज जब आपके हाथ में आए तो छोटी निकली, तो ये प्रोडक्ट के क्वालिटीज में इश्यूज आ सकते हैं। डिलीवरी इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट, डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट, बोला था 5 से 6 दिन में डिलीवरी कर देंगे बट डिलीवरी 15 डेज से भी लेटर की। होता क्या है कभी कभी कुछ, अब तो हम लोग क्रॉस इंडिया बेसिस पे जा चुके हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो दिखा रहा है कि $50 का प्रोडक्ट है, आपने वैल्यू कैलकुलेट कर दी, आपको पता चल गया कि 4500 रुपये में प्रोडक्ट मेरे घर पे आ जाएगा, बट इन्होंने ड्यूटी लगा दी जबरदस्ती की, हैंडलिंग चार्जेस लगा लिए, कन्वर्जन चार्जेस लगा के, हिडन कॉस्ट लगा के उसकी वैल्यू बढ़ा दी। ऐसा भी कंपनीज करती हैं, एज ए हिडन कॉस्ट मतलब समझ लो यार, ऐसा होता नहीं है कि आपकी ये कार खुल गई है, कार की आपको लॉटरी लग गई है, बट जब कार छुड़वाने जाओ तो पता चलता है ड्यूटी पेमेंट करो तो कार लेके जाना, और कार की ड्यूटी होती है 20-22 लाख रुपए के आसपास, अगर फॉरेन की कार निकल गई बंदे को गिफ्ट भी ना मिल पाता, लॉटरी खराब हो जाती वहां पे। देखो नीड एसेस टू, नेक्स्ट नीड एसेस टू इंटरनेट एंड लैक ऑफ पर्सनल टच। हमको क्या है, जब हम ई कॉमर्स बिजनेस में जा रहे हैं तो हम थ्रू द इंटरनेट ही जा रहे हैं, अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो परचेज नहीं कर पाएंगे, और प्रोडक्ट को टच करके फील करके हम नहीं देख पा रहे, हम बस उसकी फोटो देख लेना और खरीद लेना उसको, आई कांट टच द प्रोडक्ट विच आई एम गोइंग टू ब्रॉड। हम एक शूज खरीदते हैं तो उसको अच्छे से देखते हैं, शर्ट खरीदते हैं, कपड़ा टेस्ट करते हैं, बट जब हम यही चीजें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीद रहे हैं तो हम टच भी नहीं कर पाते। सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड इशू,
भाई मेरा क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप, अच्छा छोड़ दो, क्राइम पेट्रोल के 90% केसेस आज की डेट में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड पे आ रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड थेफ्ट, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का भी इशू है। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड विच आर पोजेस टू सिक्योरिटी थ्रेट, क्यों? ई कॉमर्स बिजनेस के कारण, और सारे सारे फ्रॉड ई कॉमर्स से रिलेटेड हो रहे हैं आजकल। इंफ्रास्ट्रक्चर सर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब देयर इज अ ग्रेटर नीड टू नॉट ओनली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बात को समझिए, केवल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात नहीं कर रहे हैं कि मेरा थ्री टायर आर्किटेक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए ई कॉमर्स के लिए, बट ऑल्सो नेटवर्क एक्सपेंशन ऑफ रोड एंड रेलवे विच रिमेन्स द सब्सटेंशियल चैलेंज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। अरे हम पैन इंडिया बेसिस पे अगर प्रोडक्ट को बेच भी रहे हैं ना पैन इंडिया बेसिस पे, तो उस कंट्री की रोड्स और रेलवेज तो बहुत अच्छे होने चाहिए जिससे हमको डिलीवरी तो सही समय कर पाऊँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबकी बात कर रहे हैं, हर सेक्टर के हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी, गुमनामी है भाई साहब, गुमनामी है। यहाँ पे कौन खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है पता ही नहीं। सेलर्स जेन्युइन था कि नहीं, बायर जेन्युइन था कि नहीं, मतलब कोई टेररिस्ट तो आके कुछ खरीद नहीं रहा है, क्योंकि फेक आईडी तो तुरंत बन जाती है इन सब फ्लिपकार्ट वगैरह पे कोई भी ईमेल आईडी से। तो प्रॉब्लम एनोनिमिटी है, कोई फेक सेलर भी तो आ सकता है। फेक सेलर आ गया एसएस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से और बेच रहे हैं यहाँ पे नकली आईफोन, कुछ भी हो सकता है सर। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ हमने तो परचेज कर लिया, अब जब कैश ऑन डिलीवरी मार दी, अब घर पे आया तो कह दिया हम नहीं लेंगे, ये वाली प्रॉब्लम भी तो ई कॉमर्स बिजनेस में है। लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, भाई साहब ई कॉमर्स बिजनेस पे हमें क्या मिलता है, एक सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस जिस पे कोई सिग्नेचर नहीं होता है। तो ये क्या है, रिलायबल है कि नहीं है कुछ नहीं पता चलता इसके डॉक्यूमेंट को, कुछ भी ऑथेंटिसिटी नहीं मिल पाती कोर्ट में भी। डाटा लॉस एंड थेफ्ट डुप्लीकेशन, थेफ्ट ऑफ डुप्लीकेशन, हाँ मंगाया था ना मैंने क्रोमा स्टोर से, क्रोमा स्टोर दिखा, चलो क्रोमा भी नहीं कोई भी हो, यही अपना एसएस ले लेते हैं, एसएस प्राइवेट लिमिटेड से मंगाया था 130,000 रुपये का आईफोन, कॉपी निकल गया, वो तो 5,000 वाला आईफोन था, कुछ नहीं था, डब्बा था। तो ये क्या डुप्लीकेशन का खतरा है कि नहीं, लॉस हो सकता है कि नहीं इससे, इस चीज़ की बात आ गई। उसके बाद अटैक फ्रॉम हैकर्स, हैकर्स कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब, मेरे ई कॉमर्स को आके वनरेबल हैकर्स कर दिए, या तो ई कॉमर्स बिजनेस को भी खतरा है, ई कॉमर्स ऑपरेट और कस्टमर को भी खतरा है। बिजनेस को क्या खतरा है, उस फेक प्रोडक्ट बेच के पैसा अपने अकाउंट में लेके चल दिया, या फिर जबरदस्ती का 10,000 का प्रोडक्ट, मैंने बताया 1,000 हटा के 1,000 रुपये में करके चल दिया। और हैकर से कस्टमर को क्या खतरा है, कस्टमर कोई सामान खरीदता है तो हैकर्स पता चल रहा है बेच रहा है, हैकर उससे डील करके अपने अकाउंट में पैसा लेके निकल लिया, कुछ भी खतरा हो सकता है। डिनाइल ऑफ सर्विस, आप कह रहे हो मुझे चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट, मुझे लैपटॉप दो, मुझे लैपटॉप दो, मुझे लैपटॉप दो, मुझे लैपटॉप दो, सिस्टम डिनाइल कर दिया कि हम नहीं देंगे, सिस्टम एरर दिखा रहा है बार बार, तो ये भी तो प्रॉब्लम आ चुकी है। वायरस के कारण हो सकता है, ईमेल बॉम्ब्स के कारण, फ्लड आ रखी है उसके कारण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट डिनाइल ऑफ सर्विस का भी तो खतरा है। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आर एज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर मे Not be recognized as evidence of court of law. देखो may not be recognized लिखा है, लेकिन actual मैंने इसको recognized अब किया जाता है court of law में। Lack of audit trail, audit trails ही नहीं है, कहाँ से audit trail आएगा सर, कहाँ से audit trail आएगा, वाह इतना देखो इतने examples ले लेके लिखवाए हैं बच्चे, अब ध्यान ना रहे तो बेकार है फिर, कहाँ से audit trail आएगा सर। तुरंत इसने यहाँ पे माल देखा, पेमेंट की, ऑर्डर आया, पेमेंट हो गया, 5 दिन के अंदर पहुंच गया, कोई ऑडिट ट्रेल डॉक्यूमेंट ही ठीक से जनरेट नहीं हो पाता। तो लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल की भी यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है। और एक है प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मे नॉट बी एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांजेक्टेड थ्रू ई कॉमर्स बिजनेस। सर कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल लो, पायरेसी कह सकते, ई कॉमर्स बिजनेस था बेटा मेरा, ई बुक मैं बेच रहा था, किसी अच्छे बच्चे ने ई बुक मेरी परचेज की और उसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके वो शेयर कर रहा है किसी को भी, पायरेसी हो सकती है ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत इजीली। यही अगर हार्ड कॉपी आके मुझसे परचेज कर रहा था तो पायरेसी इतनी स्पीडली नहीं कर पाता वो कि हजारों ग्रुपों में फेसबुक पे टेलीग्राम पे कहीं भी सेंड कर रहा है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पायरेसी बहुत ईजी हो जा रहा है, क्यों, ई कॉमर्स के कारण। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा ई कॉमर्स बिजनेस में होने वाले रिस्क, क्या पढ़े, ई कॉमर्स बिजनेस में होने वाले रिस्क, क्या पढ़े, ई कॉमर्स बिजनेस में होने वाले रिस्क। तो इन रिस्क को कहीं ना कहीं जाके हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, इन रिस्क को जाके कहीं ना कहीं मिटिगेट करना पड़ेगा। चैप्टर वन याद करो, हर जगह रिस्क मिटिगेशन के बारे में बात हम करते थे, जब रिस्क को मिटिगेट करना है, कम करना है, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कंट्रोल्स, हम क्या लगाएंगे कंट्रोल्स। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल इन एन बिजनेस ई बिजनेस इन्वायरमेंट, कंट्रोल इन एन कंट्रोल इज एन ई बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके ओके सर, चलिए पढ़ते हैं कंट्रोल्स के बारे में।
इंटरनल कंट्रोल एज डिफाइंड एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इश्योरिंग अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इन ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी लेवल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लाइंस विद लॉ रेगुलेशन एंड पॉलिसीज। भाई कोई नई बात नहीं लिखे, इंटरनल कंट्रोल क्यों करते हो आप? आपके सारे के सारे ऑपरेशंस हो सकें, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही हो सके, सारे लॉ एंड रेगुलेशंस को आप कंप्लाई कर पाए, मतलब टोटल अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए करते हैं, यही बात यहाँ पे लिख दी है और कुछ इन्होंने लिखा नहीं। एग्जांपल के तौर पे इन्होंने क्या बताया, अ कंपनी मे हैव अ पॉलिसी टू फोर्स एम्प्लॉय टू चेंज देयर पासवर्ड एवरी 30 डेज। सदियों पुराना पासवर्ड नहीं चलेगा अगर हर 30-30 दिन पे तुम पासवर्ड चेंज करते हो। हे मेरे एम्प्लॉय, हे TCS के सारे एम्प्लॉयज, अगर हर 30 दिन पे तुम अपना पासवर्ड बदलते हो तो वल्नरेबिलिटीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। CFM में बोल दो कि मेरे जितने भी आर्टिकल हो भाई तुम लोग FB इंस्टा नहीं यूज़ करोगे ऑफिस के सिस्टम पे, तो ये भी सही है। इन एन ई बिजनेस इन्वायरमेंट कंट्रोल्स आर नेसेसरी फॉर ऑल पर्सन इन द चेन। सारे के सारे पर्सन के लिए इन जरूरी होता है, किसी एक के लिए नहीं। सारे के सारे पर्सन से आपका क्या मतलब होता है? मतलब मेरा सेलर या मर्चेंट जो है उससे तो है ही, उसके साथ साथ जो मेरा बायर है, जो मेरा यूज़र है, वेंडर है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है ना, गवर्नमेंट है, नेटवर्क प्रोवाइडर है, मेरा डिलीवरी चेन वाला मतलब लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है, या पेमेंट गेटवे वाले पर्सन, जितने भी लोग हैं इन सभी के लिए ज़रूरी है क्या? इन सभी के लिए क्या होना चाहिए? कंट्रोल नेसेसरी सभी के लिए है, सभी के सभी, जितने भी ऑल पर्सन, जितने भी पर्सन ई कॉमर्स में इंक्लूड है उन सभी के लिए है। देखिए ओहो, किसके किसके लिए सर? यूज़र के लिए। यूज़र के लिए कैसे ज़रूरी है सर? यूज़र के लिए कंट्रोल्स के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द जेन्युइन यूज़र इज यूजिंग द ई कॉमर्स एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स या एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेन्युइन यूज़र कर रहा है। दिस इज रिस्क ऑफ यूज़र अकाउंटेंट टू हैक द हैकर बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सर कोई हैकर हैक कर सकता है तो हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन सर आप पेमेंट तो अपने कार्ड से करेगा? जी नहीं। मान लीजिए अगर आपका अमेज़ॉन है तो अमेज़ॉन में अमेज़ॉन बैलेंस, अमेज़ॉन कैश भी तो पड़ा हो सकता है। वही अगर आपका 50,000 रुपये का है, किसी ने आपका अकाउंट हैक किया, 40,000 रुपये 49,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद लिया, आप तो रह जाओगे। सेलर बाय और मर्चेंट्स को भी कुछ कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। कौन से सर? दीज पीपुल नीड टू प्रॉपर फ्रेमवर्क इन प्लेस टू इंश्योर सक्सेस ऑफ बिजनेस। ये लोग प्रॉपर फ्रेमवर्क लगाएं, क्या लगाएं ये तो बताओ। मेनी ई कॉमर्स बिजनेस हैव लॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, दे डिड नॉट हैव प्रॉपर कंट्रोल पुट इन प्लेस। बहुत ज्यादा पैसा वो लॉस कर जाते अगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता। दीज इंक्लूड्स कंट्रोल आर प्रोडक्ट कैटलॉग। उनका प्रोडक्ट कैटलॉग अच्छा होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है वो अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर आए ना तो बिकी ना पाए, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जितने पोटेंशियल कस्टमर आने चाहिए वो आ ही ना पाए। प्राइस कैटलॉग, प्राइस ही सही से नहीं दिखा रहे हैं क्या यार? ये कैसे हो सकता है कि अगर पेन नहीं ली, 1 सेकेंड बच्चा, ये देखिए प्राइस कैटलॉग। प्राइस कैटलॉग मीन्स प्राइस ही बहुत सही इनका नहीं दिखा रहा है, प्राइस में कोई प्रॉब्लम रह रही है। प्राइस दिखा रहा है 1,000 रुपीज, MRP उसकी 900 रुपीज। प्राइस कैटलॉग उनका सही नहीं। आपने बहुत बार प्रोडक्ट में देखा होगा ना, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे MRP ही इंक्रीज कर देते हैं, वो MRP ही बढ़ा देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं 70% तक का ऑफ या 49% ऑफ, या वॉलपेपर्स वगैरह पे आपको अक्सर दिखेगा इस टाइप के आइटम्स पे। प्राइस कैटलॉग, डिस्काउंट एंड प्रमोशनल स्कीम, सेम प्रोमो कोड से जो वन टाइम कोड होता है वो एक ही यूजर 15 बार यूज़ कर ले रहा है, या एक पर्सन का कोड 15 अलग अलग लोग यूज़ कर रहे हैं। सेम यूज़र ही 15 बार यूज़ कर ले रहा है, या एक कोड 15 अलग अलग लोग यूज़ कर ले रहे हैं, इससे क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है कंपनी को। इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। प्रोडक्ट रिटर्न, रिटर्न पॉलिसी पे ध्यान देना पड़ेगा। पता चले खुद ही गलत प्रोडक्ट की रिटर्न अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो भी कस्टमर मेरे पास नहीं आएगा, और एक और तरह से लॉस हो सकता है। सही प्रोडक्ट को यूज़ करके फिर टैम्पर करके कस्टमर 15 दिन में वापस कर दे रहा है, तो प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी हमारी सही होनी चाहिए। तीसरी बात होती है अकाउंटिंग फॉर कैश रिसीव थ्रू कैश ऑन डिलीवरी मोड ऑन सेल्स। COD को भूल नहीं जाना है, कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि ये 7 से 9 दिन बाद हमें पैसा मिल रहा होता है ट्रांजेक्शन होने के, और ट्रांजेक्शन जब हुए सारी रिकॉर्डिंग तो इसकी तभी होगी अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग, तो 7 से 9 दिन बाद आने वाले कैश को इसमें इनकॉर्पोरेट करके सही से अकाउंटिंग करनी चाहिए। सही से क्या करनी चाहिए? अकाउंटिंग करनी चाहिए। अब बात करेंगे हम गवर्नमेंट की। सर गवर्नमेंट कहाँ से आ गया? सर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए गवर्नमेंट कहाँ से गया? जहाँ जहाँ कॉमर्स आया वहाँ वहाँ टैक्स आएगा, और जहाँ जहाँ टैक्स आएगा वहाँ वहाँ गवर्नमेंट आएगी। तो गवर्नमेंट अक्रॉस द इंडिया एंड इन इंडिया, इंडिया के बाहर की हो या इन इंडिया की हो, हैव फ्यू क्रिटिकल कंसर्न इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से। कुछ क्रिटिकल कंसर्न्स होते हैं, देख लीजिए कैसा
टैक्स अमाउंटिंग ऑफ ऑल प्रोडक्ट, सारे के सारे प्रोडक्ट जो बिके हैं उन सब पे टैक्स लगना चाहिए और कितना लगना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। जैसे कुछ होता है ना कि एक्सपोर्ट हो गया तो एक्सपोर्ट पे तो बेनिफिट मिलता है, तो ई कॉमर्स वाले एक्सपोर्ट पे बेनिफिट ले रहे हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें होती है कि कौन सा प्रोडक्ट किस टैक्स रेट से हुआ, उसका टैक्स अकाउंटिंग गवर्नमेंट को पता चलनी चाहिए। और दूसरा, ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सोल्ड आर लीगल, ऐसा ना हो जाए कि हम पता चला फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है ड्रग्स, बिक रहे हैं नारकोटिक्स, बिक रहे हैं इलीगल वेपन्स, बिक रही हैं। तो ई कॉमर्स जितने के जितने प्रोडक्ट बिके हैं उसको पे टैक्स मिले, और दूसरा सबके सब लीगली प्रोडक्ट बिके हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंस वेयर नारकोटिक ड्रग हैव फाउंड टू बी सोल्ड एंड ब्रॉट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। भाई नारकोटिक ड्रग मत बेचने लगना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से। तो ये गवर्नमेंट के हिसाब से कंट्रोल लगाने की नीड है, ठीक है। हम कंट्रोल लगा रहे हैं ना रिस्क के ऊपर, यूजर क्या कंट्रोल लगाएगा, सेलर बायर मर्चेंट क्या कंट्रोल लगाएंगे, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या कंट्रोल लगना चाहिए। अब नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर क्या कंट्रोल लगा रहा है, जिसने हमको इतना बड़ा फ्लिप, अच्छा देखो जो बैंक्स होती हैं ना, आपने देखा होगा 24/7 की बात कर रहे हैं बैंक की वेब, आप कभी कभी जाएंगे तो सुनने में आएगा कि बैंक बैंक का सर्वर डाउन है सर। लेकिन कभी सुना है फ्लिपकार्ट का सर्वर डाउन है? ना ना, फ्लिपकार्ट का सर्वर डाउन नहीं होता। देखो, दे नीड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क, एनी डाउन टाइम ऑफ नेटवर्क कैन बी डिजास्टरस ऑफ बिजनेस, डिजास्टर हो सकता है बिजनेस में। 24/7 चलता है भाई, डाउन टाइम नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए बिजनेस को। तो नेटवर्क प्रोवाइड, जो इतना बड़ा नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है उसको इस चीज़ का कंट्रोल रखना चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को छोड़कर बाकी जो कुछ भी प्रोवाइडर, दिस इंक्लूड्स ऑल सर्विस प्रोवाइडर अदर देन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, जो जो टेक्नोलॉजी, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी हुई, बैक एंड दिया, मेरा सॉफ्टवेयर दिया, मेरा एप्लीकेशन दिया, और सबके सब लिंक्स दिए उनके, सबके सब जितनी भी इस टाइप की चीज़ें, उन सब लाइक्स की चीज़ों को, ऑल लाइक थिंग्स लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, बैक एंड सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट थिंग्स, दे आर ऑल्सो प्रोन टू रिस्क अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। उन सबों को रिस्क को, जो जो रिस्क हो सकते हैं, जितने इच्छुक रिस्क हैं, उन सभी को पहचान कर उसके लिए पहले से सिक्योरिटी तैयार कर लेनी चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, जैसे मतलब मेरा सर्विस क्लाउड है तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए डिजास्टर रिकवरी प्लान वगैरह सब कुछ होने चाहिए, कुछ डबल डाटा मैपिंग करनी चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए कि कहीं कुछ होना चाहिए, फायरवॉल्स लगा लेने चाहिए, सब कुछ कर लेना चाहिए। यहाँ पे लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, उसको भी कुछ गलत पते पे मत पहुँच जाना। लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ ई कॉमर्स एंड कॉमर्स वेंचर फाइनली लाइज हियर, फाइनली यहीं पे आता है कि आपको प्रोडक्ट कितना जल्दी मिल रहा है। कई बार होता है, मान लो अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे सेम प्राइस हो, अमेजोन वाला 20 दिन ले रहा है प्रोडक्ट डिलीवरी में, फ्लिपकार्ट 3 डेज ले रहा है, तो आप फ्लिपकार्ट से ही करोगे। तो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर आर द वंस हु आर फाइनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली प्रोडक्ट डिलीवरी। तो इनको लॉजिस्टिक को अपने मैप्स पे, पिन कोड्स पे और डिलीवरी व्हीकल्स पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब बारी आती है पेमेंट गेटवे की। भाई हजारों तरह से आज की डेट में पेमेंट हो रहे हैं सर, हजारों ज़्यादा हो गए, हाँ सॉरी कोई बात नहीं, बट वॉलेट से कर रहे हो आप, UPI कर रहे हो आप, फ्री EMI लेते हो, इंटरेस्ट फ्री EMIs ले रहे हैं, इतने ऑप्शन दे रहे हैं आपको वॉलेट्स के, डायरेक्ट बैंक में पैसा ले रहे हैं। तो ये जितने भी तरीके होने चाहिए सिक्योर होने चाहिए, सेफ होने चाहिए। ई कॉमर्स वेंडर बिजनेस शैल रन ओनली व्हेन देयर पेमेंट गेटवेज आर इफिशियंट, इफेक्टिव एंड फुल प्रूफ। अगर उनका पेमेंट गेटवे सही नहीं होगा तो उनका ई कॉमर्स बिजनेस रन ही नहीं कर पाएगा अच्छे से, इसलिए उनका पेमेंट गेटवे बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, तो हमने इतने कंट्रोल्स के बारे में पढ़ लिया, अब कुछ और कंट्रोल्स के बारे में यहाँ पे नीचे तो है लिखा हुआ, पढ़ लें, चलो पढ़ लेते हैं। ईच पार्टिसिपेट नीड्स टू पुट इन द प्लेस कंट्रोल ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, सबको अपना ई कॉमर्स इन्वायरमेंट में कंट्रोल प्लेस करना पड़ेगा। एनी लैक ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल बाय एनी वन कैन ब्रिंग द रिस्क ऑफ द होल चेन। अगर इतने जितने भी लोग थे ना, मतलब कहाँ तक सर, गवर्नमेंट हो गया, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर, यूज़र या फिर सेलर बायर मर्चेंडाइज, किसी ने कुछ भी अगर नहीं सही से किया, रिस्क को नहीं मिटिगेट किया, तो दिक्कत हो सकती है सभी को, किसी एक कारण पूरी चेन में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके ऑल पार्टिसिपेंट आर डिस्कस द अबव नीड ऑन द ट्रेन द एजुकेट फॉर प्रॉपर कंट्रोल, सबको एजुकेट होना पड़ेगा, नीड होना प्रॉपर एजुकेट होना पड़ेगा, कंट्रोल प्रॉपर लगाना पड़ेगा। ईच पार्टिसिपेट नीड टू पुट द प्लेस इन पॉलिसीज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, और कंट्रोल लगाने के लिए हर जगह हम बताएं 3P पॉलिसी प्लेस एंड प्रोसीजर, सॉरी पॉलिसीज प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स 3P इन प्लेस टू द कंट्रोल प्रोटेक्ट फ्रॉम ई कॉमर्स एंड कॉमर्स रिलेटेड रिस्क। दिस विल बी इंक्लूड द फॉलोइंग, मतलब क्या करें, हम एजुकेट करेंगे एजुकेट द पार्टिसिपेंट अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क, सबको बताओ किस किस तरह का रिस्क आ सकता है, मतलब एवरी पार्टिसिपेंट नीड टू बी एजुकेटेड सेंसिटाइज्ड
टूवर्ड्स रिस्क एसोसिएटेड विद सच ट्रांजेक्शन, किस ट्रांजेक्शन में किस तरह का रिस्क आ रहा है सबको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू पुट इन प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द सेम। दीज पॉलिसीज में इंक्लूड द फॉलोइंग, फ्रिक्वेंसी एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। यार इस साल में एक बार करते हो कि साल में तीन बार उनको समझाते हो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। जैसे मान लो रैनसम वेयर जब अचानक से आया तो तुरंत मीटिंग बुला के बताओ रैनसम वेयर ऐसा एक वायरस आया जो पूरे पूरे सिस्टम को फेल कर दे रहा है, इसलिए हमको अलग प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, इस तरीके से हम अपना सिस्टम यूज़ करें या ऐसे एंटीवायरस इस समय भी लगाएं। ठीक है सर। द पार्टिसिपेंट ऑफ सच प्रोग्राम, पार्टिसिपेंट्स क्या होने सच प्रोग्राम के, जैसे एग्जांपल की तरह ऑल बैंक ऑफ इंडिया अलाउइंग द ऑनलाइन पेमेंट्स, पुट एड्स ऑन देयर वेबसाइट, डूज एंड डोंट्स ऑन ऑनलाइन पेमेंट्स, बता दो भैया ये करो, ओटीपी किसी को शेयर मत करो, ये सबको बताइए, एजुकेट करिए लोगों को, ओटीपी नहीं बताते हैं किसी को, ये बात आई यहाँ पे। ठीक है। द मोर इन्फॉर्म्ड यू द ऑर्गेनाइजेशन इज द ईजियर विल बी द कॉम्बैट ऑनलाइन थ्रेट्स एंड कैरी ऑन द मिटिगेटिंग मेजर्स। मिटिगेटिंग मतलब कम करना है भाई, हमको रिस्क को कम करना है। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे, उनको पता होगा कि ओटीपी किसी को नहीं देना है, तो ऑनलाइन फ्रॉड बच जाएंगे। जैसे क्या हो रहा है ऑनलाइन फ्रॉड, सर आपके ना आधार कार्ड को हम आपके बैंक से लिंक कर रहे हैं, अधिकतर फ्रॉड तो यही है, आपके आधार कार्ड को बैंक से लिंक कर रहे हैं, एक पासवर्ड आएगा, ओटीपी वो बताइए, जैसे ही ओटीपी बताई हैकर ने पैसा लूट के चल दिया। तो एजुकेट रहेंगे लोग तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो क्या है रिस्क को कम करने का तरीका, क्या बताया, एजुकेट कर दीजिए लोगों को। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज टू कस्टमर। ऑर्गेनाइजेशन की हम बताएं अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज किसको, कस्टमर्स को, टू अवॉइड कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। कस्टमर क्या डिससेटिस्फैक्शन अवॉइड करने के लिए, कस्टमर हमसे कुछ एक्सपेक्ट किया था बट हम टर्म्स एंड कंडीशन अगर कस्टमर को बता दें तो हम डिससेटिस्फैक्शन अवॉइड कर सकते हैं। डिस्प्यूट्स, कस्टमर्स हमारा डिस्प्यूट ना, हम अपने पॉलिसी से चलेंगे, ई कॉमर्स बिजनेस अपनी पॉलिसी से चलेगा। और टर्म एंड कंडीशन अगर हम कम्युनिकेट कर दें कस्टमर को तो डिससेटिस्फाइड भी नहीं होगा, उससे कोई डिस्प्यूट भी नहीं होगा। इट इज़ नेसेसरी टू मेक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्लियर थ्रू आउट द आर वेबसाइट। हमको अपनी वेबसाइट अब क्लियरली बताना पड़ेगा कुछ इन्फॉर्मेशन, एज लाइक मैं आपको बताऊँ क्या इन्फॉर्मेशन क्लियरली बताना पड़ेगा। 14 days रिटर्न पॉलिसी, अब 15 days आप हमको कॉल करके नहीं ना बोल सकते कि सर अभी तो एक ही दिन हुआ आप ले लो, लेकिन हमारी पॉलिसीज 14 days की थी, तो इस टाइप की पॉलिसीज हमको क्लियरली बतानी पड़ेगी अपने ई कॉमर्स को अपनी वेबसाइट पे क्लियरली बता देगा, जिससे कि सारी टर्म्स एंड कंडीशन अगर कस्टमर को पता चल गई तो डिससेटिस्फैक्शन या डिस्प्यूट की कंडीशन नहीं आएगी। हम बताएंगे उनको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी, हम एक लिंक दे दें भैया वेबसाइट पे, एक लिंक है हमारी प्राइवेसी पॉलिसी, ये है टर्म्स एंड कंडीशन, वो टिक करवाते हैं ना वहाँ, प्राइवेसी पॉलिसी बता दो। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में बता देंगे। क्रिएट अ पेज टू एजुकेट कस्टमर अबाउट एनी सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कंट्रोल्स, मतलब बता दो भैया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में बता दो कि आपका कार्ड का डिटेल, जो आपने कार्ट में अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल ऐड की है, वो किसी और को नहीं बताई जाएगी। शिपिंग एंड बिलिंग पॉलिसीज बता देंगे, शिपमेंट इतने दिनों में पहुंचेगा, देयर शुड बी अ क्लियर कॉम्प्रिहेंसिव एंड अवेलेबल थ्रू लिंक ऑन द होम पेज ड्यूरिंग द ऑनलाइन परचेज। शिपिंग पॉलिसीज क्या है मेरी, बिलिंग पॉलिसीज क्या है मेरी, जैसे कि अमेजोन की बिलिंग पॉलिसी है कि अमेजोन आपको टैक्स इनवॉइस है, अमेजोन बिजनेस के थ्रू आप टैक्स इनवॉइस भी ले सकते हो, मतलब सर आप अमेजोन बिजनेस के थ्रू जो परचेज करोगे ना उस पर लगने वाले GST का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, बट फ्लिपकार्ट में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो आपकी टैक्स बिलिंग पॉलिसीज क्या क्या है ये भी आप बता सकते हो। रिफंड पॉलिसी, 14 दिन में रिफंड देंगे, रिफंड पॉलिसी क्लियरली बता दो ताकि बाद में कोई झंझट ना हो। ठीक है सर। इंश्योर कंप्लायंस विद इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड, तीसरी बात हम कर रहे हैं सर, तीसरी बात किस चीज़ की, तीसरी बात कम्युनिकेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज में हम क्या क्या बताए उसको, हमने उनको बता दिया क्या क्या बता दिया सर, कहाँ गया, कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज में उनको सब कुछ बता दिए, एजुकेशन दे दिए, अब हम उसको क्या क्या और बता रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी था ना, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज में हम उसको बता दिए रिटर्न पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, इन्फॉर्मेशन पॉलिसी और शिपिंग पॉलिसी। अब हम बताएंगे तीसरा, इंश्योर करेंगे कंप्लायंस विद इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड्स। क्यों 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 कंप्लायंस करेंगे इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड्स के साथ, ये मेरा एक कंट्रोल है, ये क्या है मेरा कंट्रोल है। यहां बात करिए, ऑल ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाई विद एंड एडेयर द लॉ एंड आउटलाइंड बाय द लॉ ऑफ लैंड, मतलब लॉ ऑफ लैंड मतलब अगर आप मॉरिशस में बिजनेस करते हो तो मॉरिशस का इंग्लैंड में करते हो, इंग्लैंड का फ्रांस में करते हो, फ्रांस का इंडिया में करते हो, तो इंडिया का जिस लैंड पे आप बिजनेस कर रहे हो उस लैंड के लॉ की अडेयर करनी है आपको, अनुपालन करना है उस लॉ, उस लैंड पे जितने भी लॉज हैं उसका आपको पालन करना है। इंडिया में हो तो इंडिया में GST है तो GST लॉ का आपको पालन करना है। इन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन रिलीजिंग दीज स्टैंडर्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। आरबीआई का काम होता है इंडिया में ऐसे लॉस को निकालना। देखो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई निकालती है ना, तो बाहर की कंपनियों के ऊपर आने वाली पॉलिसी भी आरबीआई एक बार में बता रही होती है। और ये क्या बता रही होती है, इसको ये सीधी सीधी बात बता रही होती है कि आपकी जो फॉरेन करेंसी में पेमेंट आ रहा है या आप इंडियन रुपीज को फॉरेन करेंसी में लेके जा रहे हैं, इसको क्या कब कैसे करना है, ये बता रही होती है आरबीआई। अब प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन, घुसपैठियों से कैसे बचाना है, ये बहुत जनरल बात लिखा होगा, सारे पॉइंट इंटरलिंक्ड नहीं है, जनरली है जो भी एक ई कॉमर्स बिजनेस को करना पड़ता है। पहली बात, अब खुद सोचो आप क्या वायरस से बचाओगे। जी हाँ, खुद को वायरस से बचाओगे। चेक योर वेबसाइट डेली फॉर वायरस द प्रेजेंस ऑफ विच कैन रिजल्ट द लॉस ऑफ द वल्नरेबल डाटा। डेली 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 अपनी वेबसाइट चेक करो, वेबसाइट में वायरस तो नहीं आ गया। एक वायरस होता है राउंड डाउन। राउंड डाउन क्या है, मान लो एज एन एग्जांपल अगर आपके किसी प्रोडक्ट की कीमत, किसी प्रोडक्ट का दाम है 30 रुपए 70 पैसे, तो राउंड डाउन क्या करता है 30 रुपए कर देता है, राउंड ऑफ के फिगर को सारे हटा देता है। इस तरीके के 1 लाख प्रोडक्ट अगर राउंड डाउन हटा दिया और एक दिन में 1 करोड़ प्रोडक्ट बिक गए, तो बहुत ह्यूज अमाउंट, लगभग आपको 70 लाख रुपए का लॉस हो गया एक दिन में। तो इस तरीके के वायरसेस तो नहीं आ गए ना, ये चीज़ जरूर चेक करिए। उसके बाद हैकर्स, हैकर्स चेक करो भाई, कोई हैकर आके हैक तो नहीं कर लिया आपका सिस्टम। यूज सॉफ्टवेयर पैकर्स टू कैरी आउट रेगुलर असेसमेंट ऑफ हाउ वल्नरेबल योर वेबसाइट इज टू हैकर्स। कितनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट वल्नरेबल है कि हैकर्स आए यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को भी चेक करिए। वायरस से बचाइए, हैकर से बचाइए, पासवर्ड सही रखिए। जो ओल्ड एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन से निकल के उनके पासवर्ड को हटा दो, ख़त्म कर दो, ये चीज ध्यान रखिए। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट करिए भाई, पुराने सॉफ्टवेयर को यूज मत करिए। नया जीएसटी आ गया, नए जीएसटी सॉफ्टवेयर को देखिए, नया अभी कुछ टाइम पहले जैसे मतलब एक से एक जो भी यार वायरस आते रहते हैं कंप्यूटर वाले, अब जब नए वायरस आ गए तो नए वायरस के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम में नया फायरवॉल और नए एंटीवायरस लगाइए। योर साइट शुड ऑलवेज बी अप टू डेट विद द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। नया वर्जन लगाओ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का। इफ यू फेल टू डू दिस यू लीव योर वेबसाइट वल्नरेबल टू अटैक। भाई नहीं, रैनसमवेयर अगर आ गया ना, रैनसमवेयर जैसे आया तो बहुत सी वेबसाइट खराब हो गई थी। तो जय जय नए नए वायरस आ रहे हैं, तो नए और अपडेटेड एंटीवायरस, नए वर्जन ऑफ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आप लगाइए, ठीक है। सेंसिटिव डाटा, कंसिडर इंक्रिप्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर कॉन्फिडेंशियल डाटा। देखो जितनी भी मेरी इन्फॉर्मेशन में सेंसिटिव डाटा है उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखो, जो बिना की के कभी दिखेगा ही नहीं। जैसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गई, अदर कॉन्फिडेंशियल डाटा हो गया, वो सब इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना चाहिए, ठीक है। हैकर्स या थर्ड पार्टी अगर उसको देख भी ली, एसेस भी कर ली, तो बिना इनक्रिप्टेड की के, विदाउट दिस की, वो कुछ समझ नहीं पाएगी, उसको देख नहीं पाएगी। दिस इज अ पर्टिकुलर रिलेवेंट फॉर एनी ई कॉमर्स साइट दैट यूज अ शॉपिंग कार्ट सिस्टम। सर ये इनक्रिप्शन की क्या हो गया, जैसे मान लो आप किसी तिजोरी के बाहर हो, वो तिजोरी का गेट आपको मिल गया, अंदर सोना ही भरा हुआ है, लेकिन केवल एक फिंगरप्रिंट से ये खोल सकता है, तो आप वहाँ पे खड़े होकर भी कुछ नहीं कर सकते ना। बस वही इंक्रिप्शन की, इंक्रिप्शन की यही काम कर रही है कि सारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अंदर है, जब तक ये इंक्रिप्शन की लगेगी नहीं, हैकर यहाँ पे इसको देख के कुछ समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगी, ठीक है। ठीक है सर, नो द डिटेल्स ऑफ योर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट्स। तुम्हारा सीसी एवेन्यू से तुम पेमेंट लेते हो, मतलब जो भी पेमेंट आती है वो सीसी एवेन्यू के पास आती है, उसके बाद आपके पास पहुंचती है। तो सीसी एवेन्यू से जो पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को सही से समझिए, उसकी डिटेल्स को समझिए, कितना परसेंटेज सीसी एवेन्यू अपने पास काट के रख लेगा एज एन कमीशन। बस इतनी ही बात लिखी है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में, है सर, बस इतनी सी बात लिखी है। जी हाँ, देखिए इतनी सी बात लिखी हुई है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है। पूरी लाइंस को अगर आप फिर से पहले कंट्रोल, पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, टॉपिक नंबर 5 पहले हमने पढ़ा रिस्क क्या क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा रिस्क पे कंट्रोल क्या क्या लगाएंगे, किसको किसको लगाना है, यूजर को लगाना होगा, सेल्स बायर मर्चेंटेस को लगाना होगा, गवर्नमेंट को लगाना होगा, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर को लगाना होगा, पेमेंट गेटवे को भी लगाना पड़ेगा। इसका होने के बाद ईच ऑफ द फॉलोइंग को हम समझिए कि हम क्या करें जिससे ई कॉमर्स एंड कॉमर्स रिलेटेड रिस्क कम हो जाए। एजुकेट करेंगे लोगों को, उसके बाद हम कम्युनिकेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को कस्टमर भी डिससेटिस्फाइड ना हो और डिस्प्यूट ना आए। कैसे एजुकेट करेंगे सर, हम उसको बता देंगे हमारी प्राइवेसी पॉलिसीज क्या है, हम उसको बता देंगे इन्फॉर्मेशन पॉलिसी सिक्योरिटी क्या है, शिपिंग पॉलिसी, बिलिंग पॉलिसी क्या, रिफंड पॉलिसी क्या है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि मेरा ई कॉमर्स सारे सारे लॉस को फुलफिल करे जो वहाँ लगते हैं। प्रोटेक्ट कर देंगे अपने बिजनेस को इंट्रूजन से, कैसे कैसे, मतलब वायरस से बचाएंगे, हैकर से बचाएंगे, पासवर्ड सही लगाएंगे, ओल्ड पासवर्ड जो इंप्लॉय चले गए उसको हटा देंगे, रेगुलर सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, सेंसिटिव के लिए इंक्रिप्शन यूज करेंगे, और जो भी हमारा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है उसके कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को अच्छे से समझेंगे क्या कमीशन कटने वाला है। ठीक है, ठीक है सर, आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे केस स्टडीज को, या फिर इस केस स्टडीज, रिटर्न ऑफ मोबाइल की केस स्टडीज को आप खुद पढ़ लीजिएगा।
बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि आप सभी लोग कभी ना कभी मोबाइल रिटर्न नहीं किए हैं, तो भी क्या हुआ, बट रिटर्न जब होता है मोबाइल किसी भी वेबसाइट के थ्रू, तो आप उसको अच्छे से जानते हैं कैसे होता है। इसलिए रिटर्न पॉलिसी आप अच्छे से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन। ओके ओके सर, टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर चैनल। आपसे बहुत से 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ये सही नहीं है बेटा, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर भी करिए। टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।